हाँ हाँ समझ गई। हाँ मुझे भी कॉल आया है। हाँ शायद मेरे पास आज टाइम है। हाँ मेरे पास समय है। मुझे लगता है कोई बात नहीं, मुझे भी बड़ों जैसी वॉच चाहिए तो मैं एक बना लूंगी। चलो हाथों पर बनाएं। मैं अभी कॉल करती हूँ, तुम्हें वॉच चाहिए? हाँ हनी इधर आओ, चलो तुम्हारे लिए वॉच बनाएं। पहले वॉच का फेस फिर फ्रेम बनाते हैं। इसे उल्टा करें और पिछला हिस्सा लगा दे। बढ़िया, अब मजेदार हिस्से की बारी। हेलो किटी, तुम थोड़ी देर ऐसे ही रहो, बैग पर ये पीस लगाएं और कलर करें। पिंक बुरा तो नहीं है, है ना? अब इसे अटैच करते हैं। अब तुम्हारी पसंदीदा वॉच तैयार है, देखो। एवा ये देखो, वाव इसे पहना दीजिए। क्या ये मेरे लिए है? मुझे जानना है इसमें क्या समय हुआ है। ये ठीक है, वापस काम पर लगते हैं। हाँ मैं भी। हाँ मैं सुन रही हूँ। ये लगभग हो गया, तुम्हारा कैसा चल रहा है? एवा मैजिक ट्रिक देखना चाहोगी? ठीक है, तुम्हारे कान के पीछे कुछ था क्या? मैं अमीर हो गई क्या? और भी कुछ है? चलो देखें। वाव मुझे गेम पसंद आई। एक और है, ये मजेदार है, इसे नहीं भूल सकते। और ये भी है, और यहाँ, सही कहा, जरा इन सारे कॉइन्स को तो देखो। वाव ये सब तुम्हारे हैं। वाव बढ़िया, मुझे इसे सुरक्षित करना होगा। वो ये तो बहुत छोटा पाउच है, मुझे नहीं लगता इसमें सारे आएंगे। अंदर चलो। चलो भी मॉम देखो, ये नामुमकिन है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देखो, पहले कार्डबोर्ड को कवर करो। अब छोटे वुडन पेग्स इस पर लगाएं, उनके ऊपर स्प्रिंग डाल दें। अब ये पीस यहाँ लगाएं और कार्डबोर्ड पीस के साथ इसे अटैच करें। अब इस वुडन पीस को चिपका दें। इसमें अब कॉइंस डालो, बॉक्स को बंद करने का समय है। हो गया, और इसे और मजेदार बनाने के लिए इसका प्यारा चेहरा बना दो। किसी को कॉइंस चाहिए? ये लो, इसमें तुम्हारे सारे कॉइंस आ जाएंगे। लेकिन कैसे? मैं दिखाती हूँ। तैयार हो? अब इसे टंग पर रखो और पुश करो। ठीक है, अब तुम ट्राई करो। बढ़िया, ठीक है, तो चलो। बॉन एपेटिट, इसके अंदर जा रहा है। वाव ये मजेदार है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वुहू! क्या हुआ, उसे अभी भी भूख लगी है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो एक रिलैक्सिंग शावर लें, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। काफी अच्छा लग रहा है। ला 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 ला, सिंगिंग इन द शावर। मुझे एक पॉप स्टार बन जाना चाहिए, मैं इसीलिए बनी हूँ। चलो इन्हें सुखा लें। मुझे ये लुक पसंद आई, जैसे मेरे पास खुद का रेनबो हो। जाने का समय है, मुझे तैयार होना चाहिए। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। जरा रुको, मुझे याद है कल रात को क्या हुआ था। आउच! जल रहा है। ओह, मैं क्यों करती रहती हूँ? तार कटी हुई है। ओह! क्या? ये क्या हुआ? नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना खुद को नुकसान पहुँचाए कॉल्स करने का कोई तो तरीका होगा। शायद मैं पेग्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। ट्राई कर देखते हैं। पहले क्लोथ्स ड्रायर के ऊपर अपने बाल रखेंगे और अब इन बार्स पर इन्हें लपेटेंगे। अब पेग्स से इन्हें टिका देंगे। लो, उम्मीद है काम करे। मैं थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ, पर ये काम जरूर आएगा। ठीक है, चलो कमाल के कर्ल्स देखें। ही कितना फनी है। वाह मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो चलें। वाह ओह, ये हेयर टॉन्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? जरा यहाँ देखो। वाह उसका ब्रेसलेट तो देखो। क्या ये काफी भारी है, इस पर बहुत ज्यादा डायमंड्स लगे हैं।
प्यारे हैं। मुझे बस अपने बाल पीछे करने होंगे, तुम्हें मेरे इयररिंग्स पसंद आए। वाह, कितने जबरदस्त है, मुझे जलन हो रही है। खैर तो ये देखो, तुम्हें कैसा लगा? बस यही। खैर अब मेरी स्माइल देखो, ये कैसे हो सकता है? ओ, समझ गए, इससे लूना को पता चलेगा। मेरे बालों में जूल्स, ये कैसा है लूना? चलो भी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। ओ नहीं, ये तो गिर गया, शर्म की बात है। ये देखो, वो ये क्या है? बस जूल्स को बालों से लगा लेंगे, ये बहुत आसान है। ये अलग अलग रंगों के भी है। वाह शानदार, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे स्टाइल बहुत पसंद है, पर मेरे बाल तो बहुत बोरिंग है। वो यहाँ कितनी रोशनी है, मैं कुछ नहीं देख पा रही, मेरी आँखें, अब बेहतर है। अरे वाह, इन हेयर स्टाइल्स को तो देखो, मुझे पसंद है, आज मैं एक नई लुक बना पाती, पर क्या, चलो कुछ ट्राई करें, मुझे कैची चाहिए। ये देखो, बहादुर बनो, ये सिर्फ बाल है। नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं ये ना करती। मान लो ये बहुत मुश्किल से आते हैं, कैची वापस कर दो। बाल बाल बचे, अब मैं नया हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकती, या फिर बना सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, बालों को बांधने के लिए हेयर बैंड इस्तेमाल करेंगे और अब इसे आगे लाएंगे, अब बाकी के बालों को बांधेंगे, ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। लगभग हो ही गया, पीछे का हिस्सा पूरा हुआ, ऊपर से बालों को अलग करेंगे और इसे इसमें डाल देंगे, अब इसे खींचेंगे। अब बैंग्स की बारी, हेयर स्ट्रेटनर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी हीट की ही जरूरत है, और अब उसे फैला लेंगे। लो, अच्छा लग रहा है, मुझे तो मैगजीन में होना चाहिए था, तुमने अपने बालों का क्या कर लिया? मुझे समझ नहीं आया, कैची तो मेरे पास थी, मैं एक अच्छी स्टाइलिस्ट हूँ। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। टिकट दिखाइए, मूवी के मजे लीजिए। हाय। हाँ, कैंडी अलाउड नहीं है, इसे बॉक्स में रख दो। पर मैंने अभी अपनी लॉलीपॉप पूरी नहीं खाई। मुझे कैंडी से नफरत है, अब तुम अंदर जा सकती हो। उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ, ये बहुत गलत बात है, मूवीज में स्नैक्स साथ में होने चाहिए। एक सेकंड रुको, मुझे मूवीज देखना पसंद है। कुछ हुआ है, जो भी हो मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे स्नैक खाना है। स्वादिष्ट। ये क्या? ओ चलो भी। मुझे सुबह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं और सोना चाहती हूँ। खैर तैयार हो जाते हैं। क्या, ये बाल कहाँ से आ गए? मैं बिग फुट जैसी लग रही हूँ। वैक्स किए हुए बहुत समय हो गया, पर इन्हें निकालना ही होगा, थोड़ा समय लग सकता है। बहुत बुरा हाल है, मुझे कोई ऐसे ना देख ले। रेजर इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं था, मुझे लॉन मोअर इस्तेमाल करना चाहिए था। बुह, बहुत गंदा है। शुक्र है हो गया। वो विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये कोई हेयर मॉन्स्टर है? निकलो यहाँ से। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, फ्लश कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती ये वापस आए। ओह नहीं, ये तो और बुरा होता जा रहा है। ओह वो क्या है, शायद मैं जिप टाइज इस्तेमाल कर सकती हूँ, इससे सब ठीक हो जाएगा। चलो काम पर लग जाए। जिप टाइ में कट्स लगाएंगे, ऐसे एंगल पर काटेंगे, इसे ऊपर तक काटेंगे। अब हमें एक और जिप टाइ चाहिए, इस पर क्लास्प लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, नीचे की तरफ एक लूप बनाएंगे और ये तैयार है। चलो अब इसे खोलें। इस प्लग होल में हम इस तरह जिप टाई डालेंगे और इसका गंध साथ ही बाहर आ जाएगा। ये देखो, या कितना गंदा है। हेयर, इसे फेंक देते हैं, ये बहुत काम का टूल है। एओ, ये मैंने क्यों किया? शेक इट बेबी। डांस करते हुए सफाई करना और मजेदार हो जाता है। हो, ये देखो,
मैं इसे हटा ही दूंगा, ये जगह एकदम चमकने लगेगी। मैं जरा भी धूल नहीं देख सकता। ओह, मैं वहाँ साफ कर देता हूँ। ये कैसी बकवास आवाज है। ओह, तो तुम गा रहे हो। हाँ, एक मैसेज आया। क्या, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। बटलर, मैं आ ही गया। मैं आपके कपड़े लेकर आता हूँ मैम, हर ओकेजन के लिए हमारे पास एक आउटफिट है। चलो अब देखते हैं। कोई स्पार्कली नंबर नहीं, ये वाली चलेगी, बहुत खूबसूरत, देखकर सबके मुंह खुले रह जाएंगे। क्या सच में, बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कचरे के ऊपर डायमंड लगा दिए। बहुत मुश्किल है। रुको, मैं जानता हूँ। मैं भी क्या ही सोच रही थी, इतना समय क्यों लग रहा है। ओह, लगता है आपको ये पसंद आएगा, मैंने ये खुद बनाया है, बहुत खूबसूरत है, मैं ट्राई करना चाहूंगी। वाह, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ हमेशा की तरह मैम, पर अब आपका एक नया सासी हेयर स्टाइल बनाएंगे। आप ये मुझ पर छोड़ दें, मैं अपनी मॉम के भी बाल बनाता हूँ। लगता है हमें कॉल्स करने चाहिए। ये स्मेल कैसी है। ओह, वो बहुत प्यारा है, आज की डेट परफेक्ट होगी। वहाँ क्या चल रहा है। सब ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ, जरा देखो। मैं हमेशा अच्छी दिखती हूँ। रुको, ये मेरे चिन पर क्या है। बहुत बुरा है, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, इसे मुझे दूर रखो। माफ करना मैम। तभी इसका कुछ करना होगा, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता, मुझे सोचने दो। नहीं, ये नहीं चलेगा, मेरे पास और क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं। एक सेकंड रुको, मेरा डस्ट बस्टर, शायद ये काम आए। हाँ, कोशिश कर देखते हैं। इसे स्किन पर चलाएंगे और ये पोर्स में से गंक निकाल लेगा, जैसे हम डस्टिंग करते हैं बिल्कुल वैसे। मैंने सारे ही निकाल लिए, देखो मेरी सुंदर त्वचा वापस आ गई। मुझे बहुत चिंता हो गई थी, शांति मिली। तुम तो जादूगर हो। मुझे मत कहो, ये सब इस गैजेट की वजह से हुआ है। ये ठीक नहीं लग रहा, मैं इसका कुछ करता हूँ। इसे कवर कर देते हैं, ये हुई ना बात। लगता है मैं अपनी डेट के लिए तैयार हूँ, इंतजार मत करना। बाय बाय, मजे करो मैम। बाल बाल बचे। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या सच में तुम इसे फेंकना चाहती हो। हाँ, तुमने फेंका तो इसे बेड पर ही होगा, लेकिन ग्रेविटी कुछ और ही करा देती है। चलो मिलते हैं। लगता है किसी को कुछ फोन हैक्स इस्तेमाल करने चाहिए थे। सोफिया को देखो, काम पर कड़ी मेहनत करती है और उसे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। बहुत जल्दी ही बोल दिया था। मैंने वो कहाँ रखा, वो यही कहीं होना चाहिए था, है ना। चलो भी, अब ऐसे गुम मत हो जाओ, कॉर्ड के साथ साथ चलते हैं। ये कितनी लंबी है, मेरी बाजू थक गई। ये मेरा फोन नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, मैं अपने बाजुओं को महसूस ही नहीं कर पा रही। ठीक है, अब होने वाला है। ये रहे तुम, और मैं इसे उठा नहीं पाई, अब मुझे उसे कॉल बैक करना होगा। रुको, शायद मैं कुछ बना सकती हूँ। हाँ, ये बढ़िया होने वाला है। एक कॉर्ड ले और इसे इस तरह मार्कर पर लपेटें। जब ये पूरा हो जाए और इसके ऊपर एक मिनट के लिए ब्लो ड्रायर मारें, और जब आप मार्कर बाहर निकालेंगे तो कॉर्ड साथ में नहीं आएगी। अभी इसके अंदर जाने वाला है, ये रहा। और अब जब मैं मेहनत करूंगी, मुझे अपना फोन ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा, जब भी वो बजेगा। ये केविन है, कैसे हो दोस्त, माफ करना, पहले मैं उठा नहीं पाई थी। वो आज मौसम बहुत अच्छा है, वार्म अप करना नहीं भूलना। ओ नहीं, इन शॉर्ट्स में पॉकेट्स नहीं है। ओह यार, क्या ये यहाँ टिकेगा। ओह, बच गया, मेरे सॉक्स में। क्या काम करना चाहिए, है ना, लेकिन मैं भागूंगा कैसे।
चलो भी सोचो, मेरा वेस्ट बैंड इसे पकड़ेगा। ओ फोन, ये तो बुरा हुआ बस स्क्रीन पर क्रैक ना आया हो। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। हे सोफिया का फोन देखो, उसने इसे स्लीव में कैसे रखा हुआ है। मैं भी ट्राई करूँगा, फोन को केस से निकालें और इसे स्लीव में डालें और अब ऊपर से फोन लगा दें। बढ़िया। हे रुको, हाँ ये लव बर्ड्स को तो देखो, डेट अच्छी जा रही है ना। मैं अभी आता हूँ, मेकअप चेक करने का समय। वो कहाँ है? मेरी चाबियाँ? नहीं। अब ये बुरा होता जा रहा है, मैं सब चीजें बाहर निकाल दूंगी। याइक्स, ये पर्स तो बहुत बड़ा है। मेरा कॉम्पैक्ट। हे तुम वापस आ गए, क्या ये सब तुम्हारा है? साथ में टेप कौन लेकर चलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये काम में आएगी। चलो इसे काम पर लगा दे। अपना फोन केस रखें और अब केस पर एक डबल साइडेड टेप का पीस लगाएं। अब बैकिंग को हटा दें और टेप के ऊपर अपना कॉम्पैक्ट रखें। अब मेरा जरूरी सामान 2-in-1 है और थोड़ा आंखों पर भी टचअप कर लूं। अच्छा लग रहा है, वाह तुम क्राफ्टी हो सोफिया। ये नया ग्लू गन अच्छा काम कर रहा है, जरा देखो ये कितना कूल है। मेरा नया आईफोन आखिरकार आ गया, क्या एक नए फोन से बेहतर और कुछ हो सकता है? जरा इस बेबी को देखो, इसकी स्मूथ स्क्रीन देखो, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ सोफिया। जरा मैं इसे एक बार सेट कर लूँ। ओह ये टेबल तो गीला है, ये मेरे फोन पे नहीं लगना चाहिए। रुको, शायद मैं मदद कर सकता हूँ, क्या मैं करूँ? ये ठीक होगा, मुझ पे भरोसा करो। अपने फोन को प्लास्टिक रैप में लपेटें, इसे उल्टा करके करें। अब इसे रखें और अपनी ग्लू गन ले लें। अब बॉर्डर पर ग्लू स्क्वीज करें, एक बढ़िया पतली सी लाइन सही रहेगी। अब बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाएं। बढ़िया, कैमरा के आसपास भी। अब वर्टिकल लाइंस बनाना शुरू करें। बढ़िया लग रहा है, अभी सूख गया है और प्लास्टिक को हटाएं और एक कस्टम केस तैयार है। ये तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया केविन। हो इन लड़कियों के फोन बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तो खास कर बहुत सुंदर है। क्या मैं ऐसा पॉप सॉकेट अफोर्ड कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ कैश है, $2 में तो ये नहीं होगा। कितना बुरा है, बेकार पैसे। हम और मैंने अपना ड्रॉअर तोड़ दिया। ये तो एक पॉप सॉकेट की तरह दिखता है। अपने फोन केस को उल्टा करके रखें और बीच में बहुत सारे हॉट ग्लू लगाएं और अब नॉब को बिल्कुल ऊपर लगा दें और इसे सूखने दें। ये क्राफ्टिंग मोमेंट तो हमें याद रहेगी। वाह अब इसे पकड़ना और भी आसान है।
मैं तो जीनियस हूँ। ओह यार, क्या सुबह हो गई? सुबह मेरी स्किन अच्छी लगती है। मॉर्निंग फोटोशूट्स बढ़िया होते हैं। चलो दिन की शुरुआत करें। वो और ये है केविन, मुझे कुछ परेशान कर रहा है। ओह ये तो मैं ही हूँ। और मेरी गन्स, ये तो बढ़िया है। और बस आउटफिट चेक करूंगा। मैं तो भूल ही गया, मेरी गुड लक पिक्चर इसलिए बिना नहीं जा सकता। पीछे वाली पॉकेट में मैं क्या करूं? मुझे पता है, बिंगो, क्या क्लियर फोन केस है? जो पिक्चर चाहिए वो लें और इसे उल्टा करके रखें। जब आप इसके ऊपर आयरन चलाएंगे, पेपर वहीं छोड़ दें और थोड़े से पानी में इसे डाल दें। ध्यान रही अच्छे से कवर्ड हो और 20 मिनट तक का इंतजार करें। जब आप इसे बाहर निकालेंगे, थोड़ा पेपर को रब करें और देखें कि ये कैसे प्रिंट हो जाता है। क्या ये कूल नहीं? और अपना खुद का केस किसे नहीं चाहिए होगा? या फिर थोड़ा सा अलग बास्केटबॉल कोर्ट में मिल रहे हैं? ओह हे हैंडसम। ओह हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप इनमें से कोई फोन हैक ट्राई करेंगे? तो सारे ही ट्राई क्यों ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी क्राफ्टिंग कर सके। क्या आपने अभी तक ये देखे? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बने खाने से बेहतर और क्या होगा? इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है प्यार और बहुत सारी हर्ब्स। कितना फ्लेवर आ जाता है। क्या खुशबू है, ये इसमें गया। अब हम इसे मिला सकते हैं। हे मॉम, किसी चीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये आपका फेमस पास्ता सॉस है? हाँ बिल्कुल। रुको, इतना टाइम नहीं हो सकता, मैं लेट हो गई, मुझे चलना होगा। पर डिनर का क्या होगा? ओ, अच्छा हाँ, तुम इसे मिलाती रहो, बस जलने मत देना। ये क्या हुआ? क्या ये कोई मजाक है? इतना भी मुश्किल नहीं है, पर बोरिंग है। ये यहाँ कैसे आया? कम से कम मैं योगा प्रैक्टिस कर सकती हूँ। बहुत हो गया, मुझे अब ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी। पता नहीं ये क्या है। हाँ क्या है, मैं समझ गई और इंतजार करेंगे। वो इतनी जल्दी, मुझे पैसे खर्चना बहुत पसंद है। सारी परेशानियों का हल यही है, इसे पैन में डाल देंगे। अब बाकी काम इसका ही है, गोल गोल घुमाते जाएंगे। मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और अब आराम करते हैं। कुकिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है, मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए। मैं वापस आ गई। बेटी तुम ये क्या कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा, मैं कुकिंग कर रही हूँ मॉम। ओह अपनी रोबोट फ्रेंड के साथ टेस्ट टेस्ट कर देखे। वाह खाकर मजा आ गया, कहा था ना तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे हनी, मुझे लगा था इस बुक में और पिक्चर्स होंगी। होमवर्क करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं ये और नहीं कर सकती, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। ये हुई ना बात। बेटी तुम अंदर हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? एक सेकंड, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम वीडियो गेम्स खेल रही हो। पर अब और नहीं, रुक जाओ, बहुत अच्छी गेम है। हाँ मुझे अपना फोन दो। अभी मैं बिजी हूँ। अभी क्या अभी दो, मैंने कहा ना, ये बहुत गलत बात है, विश्वास नहीं होता।
मैं जानती हूँ तुम ये बकवास गेम्स खेलना कब बंद करोगी। तुम्हारा फोन जेल में जा रहा है, इसे अब बंद करके ही रखना होगा। और चाबी मेरे पास रहेगी, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। अब तुम ये नहीं ले सकती। जब होमवर्क पूरा कर लो तो मुझसे ही ले जाना। और ये ले लो। मैं अब इसका क्या करूँ? मैं इसका ताला तोड़ दूँ? शायद मेरा दांत टूट जाएगा, पर ये तो खुलेगा। देखना भी बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप जीत गई, पर सिर्फ इस बार। मैं ये होमवर्क कर लूंगी, पर मैं खुश नहीं हूँ। लगता है ये काम कर रहा है। तुम कर सकती हो स्वीटी। रुको, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ क्या करना है। उम्मीद तो है। 5 + 5 होगा 10। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपना फोन मिल सकता है। मुझे तुम पर गर्व है। ये लो चाबी, तुम इसके हकदार हो। अब तुम अपना फोन ले सकती हो। तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। लाओ लाओ, दे दो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम अब कभी अलग नहीं होंगे। वाह, बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मुझे कुछ देखना होगा। कुछ नहीं मिल रहा। मैं यही तो ढूंढ रही थी। जैसा मैंने सोचा था, तो इसका मतलब मैं समझ गई, ये बहुत सिंपल है और इसका आंसर है 10। मैंने कर दिखाया, विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, अरे वाह, तुम यहाँ हो, कैसा चल रहा है डियर? देखो मॉम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, ये तुम्हारे लिए, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। सच में मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? मॉम, ये क्या, आप मेरे लिए सेल फोन ले आई? क्या सच में? तुम्हें कैसा लगा? हे भगवान, वाह, ये अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। उसे पसंद आया। चलो अब अपना होमवर्क कर लो। रुको, मत जाओ, हम एक सेल्फी लेते हैं। मैंने अभी मेकअप नहीं किया हुआ, स्माइल करो। ओ नहीं, बहुत सारा काम है, सब परफेक्ट होना चाहिए। मुझे गिफ्ट ढूंढना होगा, शायद मैं ये बॉटल इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये अच्छी नहीं लग रही। रुको, ये कैसा रहेगा? नहीं, एक बुक शायद। ना, ये चॉपिंग बोर्ड कैसा रहेगा? इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। चलो भी कुछ सोचो। ओह, ये क्या है? मैं मॉम के लिए केक बना सकती हूँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा ना। जरा रुको, ये वाला सही है, यमी लग रहा है। चलो काम पर लग जाए, मुझे अपना सामान चाहिए होगा। और देखो, हमारा केक बन गया, अब बस इसे बेक करना है। वाओ, मैंने भी कमाल कर दिया, पर ये पिक्चर जैसा नहीं लग रहा। ये कैसे हो गया? मैं क्या करूं? मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है, क्या इस्तेमाल करूं? ओह, ये बॉटल काम आ सकती है, ढक्कन हटा देते हैं। हाँ, लगता है ये काम करेगा, बस थोड़ी ऑल्टरेशंस करनी बाकी है। शुक्र है मेरे पास मेरा स्कैल्पल है। बॉटल के कैप पर थोड़े से कट लगाएंगे, छोटा सा सेक्शन निकाल लेंगे इस तरह। अब मुझे एक एप्पल चाहिए, इससे फ्रॉस्टिंग में फ्लेवर आएगा। अब ढक्कन वापस लगा देंगे और मैं अपने कपकेक को खाने के लिए तैयार हूँ। बस बॉटल को थोड़ा स्क्वीज करना है और फ्रॉस्टेड कपकेक तैयार है। बढ़िया लग रहा है, मैं इसे अभी के अभी खा सकती हूँ। बस एक चीज मिसिंग है, इस पर कैंडल लगानी चाहिए और हो गया। उम्मीद है मॉम को ये पसंद आए, मैं हैट उतार देती हूँ। हे मॉम, मस्ती करने के लिए तैयार हो डैडी? वी, तुम बहुत ऊंचा उछल सकती हो। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। एनी, मॉम मेरे डैडी को देखो। ओ घबराओ मत, मैं जानती हूँ क्या करना है, मुझे बस ये क्लियर टेप चाहिए। इसे छोटे छोटे सेक्शंस पे काटेंगे और पिंक पेन से कलर कर देंगे। इसे पूरा कवर करेंगे, अब बीच में स्ट्रॉ रखेंगे और टेप को फोल्ड कर देंगे। अब स्ट्रॉ में फूंक मारेंगे और ये परफेक्ट बबल बन गया। एंड से इसे मोड़ देंगे ताकि ये सील हो जाए। मैंने अलग अलग साइजेस के बबल्स बनाए हैं, अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। करेक्शन पेन से टेप पर ड्रॉ करेंगे, एक बड़े सर्कल से शुरू करते हैं, फिर इसे फिल करेंगे। अब इसकी आंखें बनाएंगे, इसका नाक और मुंह भी, ये बहुत प्यारा दिखेगा। मैंने पेपर ईयर्स ऊपर को लगा दिए हैं। और जरा इसे देखो, कितना सॉफ्ट और कडली है। ओह एनी, देखो मेरे पास क्या है। वाह, बहुत प्यारा है, मैं इसे स्क्वीज करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये लो, पर ज्यादा तेज नहीं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, चलो खेलें। लंच ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं, बाय।
मेरा बैग कहाँ है? मैं यहाँ साइन लगा देती हूँ। दुकान खुल चुकी है। ओह, एक कस्टमर आया। हे मॉमी। हाँ, ओह, हाय क्लोई। मेरे स्टोर में आपका स्वागत है। आपको कुछ पसंद आया? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। $38 इसके लिए नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। अब ये क्या है? एक फ्लेमिंगो। क्यूट है तो अच्छा, पर मुझे नहीं चाहिए स्वीटी। मैं अपना बैग ढूंढ रही हूँ। मेरे पास एक चीज है, ये आज ही आई है। मेरा हैंड बैग लाओ, इधर दो। लेकिन पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, माफ करना। तो आपको ये नहीं मिल सकता, पैसे दो। पर ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, यही रुक जाओ, मुझे कुछ उठाना होगा। ओह, शाइनी। आप बिल्कुल बुद्धू हो मॉम, मैं सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जल्दी में हूँ क्लोई, अब मैं क्या करूँ? जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, शायद ये काम करे। मुझे ग्लव्स और बॉक्स चाहिए, मैं अभी आती हूँ। पहले बॉक्स को अलग अलग सेक्शंस में काटेंगे। मुझे मेरी ग्लू गन भी चाहिए। इस पीस के ऊपर पतली लाइन में ग्लू लगाएंगे, इतनी काफी है। अब इसके ऊपर बड़ा रेक्टेंगल चिपका देंगे, इसे प्रेस करेंगे ताकि टिक जाए। ऐसा ही बाकी के साथ भी करेंगे। एंड सेक्शंस में छोटे छोटे स्लॉट्स हैं। अब मुझे एक पेपर की स्ट्रिप चाहिए, इसे रोल करेंगे अच्छे से कस कर, छोटे पीस को लूज छोड़ देंगे और इसे इस तरह स्लॉट्स में से निकाल देंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब कार्डबोर्ड के स्क्वायर के आसपास ग्लू लगा देंगे। शुक्र है मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। इसे बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। ये थोड़ा छोटा है पर हमें यही तो चाहिए। अब बस आखिरी पीस है। मैं सिर्फ तीन साइड पर ही ग्लू लगा रही हूँ और इस एंगल पर इसे लगा देंगे। मुझे तो ये पसंद आया। चलो इसे सजाते हैं। साइड्स पर ग्लू लगाएंगे। अब इसके ऊपर ब्लैक मटेरियल लगाएंगे, कोई क्रीसेस नहीं आनी चाहिए। मैंने इस सेक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा रखा था। अब इस पर व्हाइट कार्ड लगाएंगे, ये डिस्प्ले और कीपैड होगा। बराबर जगह छोड़कर नंबर्स लगा दें। मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। ये एक्सेप्ट हो गया है, रिसेप्ट ऊपर आ गई है। उम्मीद है क्लोई को ये पसंद आए। चलो देखते हैं। अब तुम कार्ड एक्सेप्ट करती हो? वाओ, कितना कूल है। हर शॉप पर कार्ड मशीन होनी जरूरी है। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो अब मैं बैग खरीद सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। उम्मीद थी यही कहोगी। इसमें कार्ड लगा देते हैं। अब ये सेल पूरी हुई। आपके साथ काम कर अच्छा लगा। ये लो। आखिरकार अब मैं जा सकती हूँ। ये क्या है, ये नीचे कैसे गिर गया? अरे यार, ये कोई मजाक है। हे, अब मैं क्या करूँ? सप्लाई और डिमांड देखो मॉम, आप अपना क्रेडिट कार्ड तैयार रखो। बम बम, स्क्रीच, बीप, बाल बाल बचे। अब चलो मैं आ रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शालालालाला, मैं कमरा साफ कर रही हूँ, मजा आ रहा है। इससे अच्छा और क्या होगा? शुप टुटू, शुप टुटू। एक मिनट रुको। ये लो। और तेज। ये घर इतना गंदा कैसे हो गया? हाँ, ये वैक्यूम तो साफ ही नहीं कर रहा। अब इसे क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रही, ये काम नहीं कर रहा। अजीब है, ऐसा कैसे हुआ? ओ, मुझे पता होना चाहिए था। हे मॉम, चलो खेलें। सच में क्लोई, मैं यहाँ सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, इसे कचरे में फेंकना होगा। ओ, आप हमेशा मजाक अकेला कर देती हो। लेकिन ये गलत बात है। रुको, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है। पिज्जा बॉक्स से सेक्शंस काटेंगे, अब ग्लू गन लेंगे और इस पीस से शुरू करेंगे। कोने पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। अब इसे बड़े वाले रेक्टेंगल के ऊपर चिपका देंगे। ऐसा ही दूसरी साइड के साथ भी करें। मैंने ये लंबी सी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसे मोड़ भी सकते हैं और शेप भी दे सकते हैं। ग्लू से इसे टिका देंगे, इसे एक तरफ रख देंगे। सोडा कैप में एक होल करें, इसके अंदर से स्ट्रॉस निकालेंगे। ये बिल्कुल फिट आना चाहिए, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। इसे चिपकाने के लिए ग्लू इस्तेमाल करेंगे और इस कैप के आसपास लगा देंगे और कार्डबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा होल करेंगे और इसमें स्ट्रॉ डालेंगे। ये इस होल में से बाहर निकलेगा। अब मुझे और सोडा कैप्स चाहिए। वुडन रॉड को स्ट्रॉ में डालेंगे। ये स्ट्रॉ वुडन रॉड से थोड़ा छोटा है। दोनों साइड पर सोडा कैप्स लगाएंगे। अब सबको ग्लू से साथ में चिपका देंगे। चलो ट्राई करते हैं। वाह, जरा इसे तो देखना। इसे कार्डबोर्ड के अंदर लगा देंगे।
अब बस थोड़े फिनिशिंग टचेस बाकी हैं, जैसे लाइट्स और विंडोज। सोडा कैप के ऊपर एक बलून लगा देंगे। अब इस बलून को फुला देंगे। चलो टेस्ट ड्राइव पर चलें। ध्यान से, ये क्या? ये है क्या? वो कमाल है। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं हनी, मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। लगता है ये तैयार है। इंजन शुरू करो। वो मुझे पसंद आए, कितनी तेज है। ओ नहीं, ये क्रैश हो जाएगी। उप्स, माफ करना मॉम। तुमने इंश्योरेंस तो ली है ना? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो चलो गो, बहुत मजा आएगा। चलो चलो मॉम। पेरेंट होना बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। जिंदगी थोड़ी आसान बनाने के लिए हमारे पास ये हैक्स है। हमें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ब्लशर का शेड बहुत पसंद है। ओह, कोई कॉल कर रहा है, मैं उठा लेती हूँ। हेलो। ओह हे गर्ल, सच में विश्वास ही नहीं हो रहा। पॉप पॉप पॉप। ओह मॉम फोन पर बात कर रही हैं। मैं भी करती हूँ। क्या सच में? तो यहाँ आना होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर मिलेंगे। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी असली फोन चाहिए। अरे नहीं, पर मैं रुक नहीं पा रही। ये है परफेक्ट क्राइम। ओ मेरी प्यारी बच्ची, पकड़े गए। चलो चलो निकलो, मैं हार नहीं मानने वाली। एकदम आराम से। ओ तुम्हें भी थोड़ा पाउडर चाहिए यानी? टिकल टिकल। अरे वाह मॉम, ठीक है इस बार देखते हैं। ओ तुम मुझे गले लगा रही हो, तुम कितनी प्यारी हो, मुझे इसी की जरूरत थी। हाँ मैं वही तो कर रही थी। ये क्या हो रहा है? मॉमी को तैयार होना होगा, मुझे वो फोन कभी नहीं मिल सकता। मैं अच्छी लग रही हूँ, अब ग्लव्स ले आती हूँ। आहा, यही मौका है, जल्दी करना होगा। हाँ हम लंच पर चल सकते हैं। ये रहे, कितनी सॉफ्ट है। हाँ मुझे चलेगा। उप्स। एनी, नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो आपने ऐसा कैसे किया? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है एनी। माफ करना मॉम, तुम मेरे फोन के साथ नहीं खेल सकती। जरा रुको, लगता है तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, हमें यही बॉक्स तो चाहिए। चलो काम पर लग जाएं। पहले कार्डबोर्ड का छोटा सा स्क्वायर लेंगे, जल्दी से एक स्केच बना लेंगे। ये फोन की आउटलाइन होगी। मुझे बहुत आर्टिस्टिक फील हो रहा है। अब थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे, ये होंगी इसकी कीज। अभी तक तो सब ठीक है। अब स्क्रीन बनाएंगे, ऐसा यहाँ भी करेंगे। ये फोन की दूसरी साइड होगी। शुक्र है मेरा हाथ टिक कर चलता है। अब मुझे इसे काटना होगा, ये बहुत आसान था। इन दोनों पीसेस को उल्टा करते हैं और ग्लू लेंगे। कोने पर ग्लू लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगानी। कॉरुगेटेड कार्ड का एक पीस लेंगे, इसे ग्लू से चिपका देंगे। ये फोन की साइड होगी। अब इसे रैप कर देंगे इस तरह। दूसरा कार्डबोर्ड का पीस ऊपर लगा सकते हैं। बाकी सेक्शंस के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब ये अपनी शेप में आ रहा है। मुझे इन्हें साथ में जोड़ना होगा। मेरे पास छोटा मेटल ब्रैकेट है, ये काम आएगा। इसे कार्डबोर्ड के अंदर लगा देंगे, इससे ये आसानी से फ्लिप हो जाएगा, बिल्कुल असली फोन की तरह। अब इसे कलर करना होगा। मैं इसके लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं कोनों पर पिंक मार्कर इस्तेमाल करूंगी। अब इसे उल्टा करेंगे और दोनों साइड पर कुछ ऐसा ही कर देंगे। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, मैं एक प्यारी सी किटन इसके ऊपर लगाती हूँ। स्क्रीन की जगह पर हमने होल किया है, इसमें पिक्चर लगा देंगे। लगता है हो गया। अब मैं ये आनी को दिखाना चाहती हूँ। देखो मेरे पास क्या है। चलो दोबारा ट्राई करें। हेलो, तुम्हें आनी से बात करनी है? वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तुम्हारे लिए है। आप मजाक कर रही हो क्या? वाओ ये कितना कूल है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, बस वो उठा ले। हेलो एनी, पता है आज का दिन कैसा था? तुम हंसने वाली हो। हाँ हाँ मुझे सब बताओ। मुझे लगा मोमेंट मजेदार होती हैं। मॉम ये ठीक नहीं हुआ, मॉमी आ रही है। क्लोई क्या हुआ, मॉमी को बताओ। ये टॉयज बहुत बोरिंग है। यही रुको। हाँ क्या है? ट्राई करो। ये मजेदार है, यहाँ आओ डकी। ये कलर्स तो देखो, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।
ऐसे ही बिजी रहेगी। और डक को ऊपर लगाएंगे। बस यही। मॉम! क्या कह रही हो? मुझे रीड करने दो। अब क्या हुआ? मैंने पजल फिनिश कर ली। वाह, तुम तो जीनियस हो। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। ये लो, मजे करो, आराम से खेलो। ये हुई ना बात। मुझे पिक्चर्स को मैच करना है। ये कितना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल भी नहीं। बोरिंग। मॉम! दोबारा नहीं। ओह हे पिकाचू, कैसा चल रहा है? क्या? देखो, मैंने पूरा कर लिया। यहाँ कुछ तो होगा जिसे तुम खेल पाओ। देखते हैं। चलो भी, कुछ सोचो। नहीं, कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? रुको। अगर हाँ, मैं समझ गई। इससे सब ठीक हो जाएगा। यहीं रुक जाओ हनी। मुझे एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए और सीजर्स भी। कॉर्नर्स को काटेंगे, थोड़ा कर्वी बनाएंगे। ये परफेक्ट है। अब क्रिएटिव हो जाते हैं। अगले पार्ट के लिए मुझे मार्कर पेन चाहिए। कार्डबोर्ड पर एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे। अब इसे सेक्शंस में बांट लेंगे, जैसे हम ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। हर स्क्वायर में एक नंबर लिखेंगे। अब ग्रिड को काट लेंगे। अभी के लिए इसे रख देते हैं। मेरे पास पिंक पेपर की एक शीट है। स्क्वायर को कलर करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। कितना कलरफुल है। अब इसे उल्टा करेंगे। अब पीछे की तरफ ग्लू स्टिक चलाएंगे। बहुत सारी लगानी होगी। ये मेरा फ्रेम होगा। अब व्हाइट पेपर की एक ब्लैंक शीट लेंगे और इस पर लव हार्ट्स बनाएंगे और पिकाचू बना देंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लोई का मन लगा रहेगा। मुझ पर बहुत प्रेशर है। जल्दी से कलर कर देते हैं। और पिकाचू को कैसे भूल सकते हैं? काश मेरे चीक्स भी इसके जैसे रोजी होते। ये है कार्ड। अब वापस ग्रिड पर लगा देते हैं। इसे उल्टा करेंगे, इस पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर ड्रॉइंग चिपका देंगे। कोई क्रीसेस नहीं होनी चाहिए। इसे पीसेस में काट लेंगे। चलो इसे फ्रेम में डालें। मैंने इस तरह पीसेस को अरेंज कर दिया है। बहुत बढ़िया पजल बनेगी। हाँ, लगता है ये तैयार है। क्लोई को ये बहुत पसंद आएगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे पीसेस को आगे पीछे करना होगा। ओह क्लोई, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तुमने देखा पिकाचू? ये लाजवाब है। लगता है ये काम कर गया। मेरे लिए दुआ करो। ये ट्रिकी है। ये टाइल यहाँ लगाते हैं और इसे इस तरह। मुझे ध्यान देना होगा। और मुझे शांति चाहिए। रुको, मैं कुछ देख लेती हूँ। ये हुई ना बात। यह थ्री पीस है। मॉम! ओह, सच में? क्या? ये देखो, पिकाचू। ओह, तुमने इसे पूरा भी कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं दोबारा करना चाहती हूँ। बहुत मजा आया था। जल्दी करो मॉम। पेरेंट होना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमारे पास ये जबरदस्त हैक्स हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे। आपका फेवरेट कौन सा था? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह, मैं अच्छी लग रही हूँ। हेलो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। वाह, हमेशा ऐसा ही रहता है। अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रही है। इतने बड़े पैर, मुझे यहाँ से निकलना होगा। आउच, तुम अपने ग्लासेस तो भूल ही गए। गर्ल्स, जरा उसे देखो। अरे ये क्या? ये जो टाइट्स काम आ गए। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। वो क्या नींद आई। अब उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। ये क्यूट है, पर उतनी भी नहीं। ये हुई ना बात। मैं बाल बना लेती हूँ। ओह, ये अच्छे नहीं है। ओह, ये मुझ पर जचता है। कुछ मिसिंग है। अरे हाँ, मुझे ज्वेलरी चाहिए। हर लड़की को अपनी लाइफ में थोड़ा स्पार्कल चाहिए। ये कितना सुंदर है। ये मेरे आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एलेक्स ने मुझे ये दिया था। कितना रोमांटिक था। वो सबसे अच्छा है और मुझे तब से इससे प्यार है। हाँ, तो मैं तैयार हूँ। मुझे चलना चाहिए। क्या ये एलेक्स है?
वो किसी और लड़की के साथ है। देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो मूवी बहुत फनी थी। ओह मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आंखें बंद करो। ओह मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अपनी स्वीट हार्ट को सरप्राइज करने के लिए आपको एक एपॉक्सी रेसिन का बॉल चाहिए। अब उसमें ग्लिटर डालें, रेसिन को मिलाएं जब तक ग्लिटर अच्छे से मिल ना जाए। अच्छा लग रहा है। अब एक हार्ट मोल्ड लें और इसे एपॉक्सी रेसिन में डालें। इसे अच्छे से भर दें और सेट होने के लिए छोड़ दें। जब रेसिन सख्त हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लें। अब इसे चेन अटैच करनी है और इसे अपने लकी इंसान को दे। हाँ, अब तुम आंखें खोल सकती हो। ओह वाह, क्या ये मेरे लिए है? नहीं नहीं, मैं पहनाता हूँ। पर मैंने सोचा मैं उसकी स्वीटहार्ट हूँ। वो हटुआ, ये कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे नेकलेस जैसा है, ये तुम ही रखो। ओह हेलो, लगता है शेरल सिंगल है। है शेरल। मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, कितनी खूबसूरत है, मुझे पसंद आई। कैसे हो नर्ड्स? ओह हाय मैंडी। है, तुमने कुछ अलग देखा? वाह, क्या ये असली है? मैं बनवाना ही चाहती थी, पीछे भी है। मेरी स्किन कैनवस है। तुम कितनी कूल हो। हटो यहाँ से, तुम मुझे तंग कर रहे हो। ये कैसी सी है? ये आवाज कैसी है? काश मैं भी इतनी पॉपुलर होती। ओ, बहुत बुरा हुआ, मुझे स्टेसी की मदद करनी होगी। ये काम आएगा। पहले मार्कर पेन से उसकी कैप हटाएं, अब इसके निब का पार्ट एक चाकू से निकाल दें। जब ये हो जाए तो एक सेक्शन और निकालें। इसी तरह तुम्हें एक लव हार्ट बनाना है। ये परफेक्ट है। मैंडी अपने आप को बहुत कूल समझती है। मैं मदद कर सकती हूँ। क्या? तुम्हें इस इंक की जरूरत है। ये किस बारे में बात कर रही है? एक मिनट रुको, मैं समझ गई। वाह, मैं इस पेन को अपनी स्किन पर लगाती हूँ। ये टैटू लग रहा है, पर ये परमानेंट नहीं है। अच्छा लग रहा है। वो तुम्हारे टैटूज अच्छे हैं। पर मेरे पास भी टैटूज हैं। हाँ, हमने कर दिखाया। मतलब शांत रहो। यहाँ जल्दी जरा ये देखो, ये हमारा सीक्रेट है। मैं भी जवान हुआ करती थी, मैं बूढ़ी क्यों हो गई? मैं बहुत पॉपुलर थी, अब बस मैं ये बनती हूँ और कैट से बातें करती हूँ। हाय ग्रैंडमा। ओह हेलो डियर, आओ बैठो। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? ओह पता नहीं। बताओ ना। ये रोमांस और हार्ट ब्रेक की स्टोरी है। क्या मैं समर डे को कंपेयर कर सकता हूँ? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है डार्लिंग। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। वाह, ये कौन है? फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी है। मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैंने फूलों की तारीफ की सच में। ओह ग्रैंडमा, मुझे माफ कर दो। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। ये वो क्या थी? मुझे देखो, मैं बूढ़ी हूँ, झुर्रियां भी हैं। एलेक्स मुझ पर कभी ध्यान नहीं देगा। ये तो परेशानी की बात है। ओह मेरे पास एक आइडिया है, आप ये फेस मास्क लगा सकती है, ये काम करेगा। ऐसा लग रहा है मैं बैंक लूटने जा रही हूँ, पर अगर इससे एलेक्स वापस आता है तो कोई बात नहीं। ये सोते हुए पहनना। गुड नाइट ग्रैंडमा। वो शीशा कहाँ है? बस इसने अपना काम किया हो। मेरी स्किन अब झुर्रिया नहीं है, मैं जवान लग रही हूँ। अब ये स्किन नहीं लटकेगी। शानदार, अब बस एलेक्स का इंतजार करना है। तैयार हो जाती हूँ। ओह कितनी मजेदार कॉफी है। ओ, वो ये रहा, तुम ये कर सकती हो। यो, यहाँ देखो। मैंडी, तुम खूबसूरत लग रही हो। बस भी करो। ओ, ये
ये जवान लड़का कौन है? हेलो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मॉम का बर्थडे है, मैं उनकी एक पिक्चर पेंट करूंगी, बहुत सुंदर दिखेगी। लीव्स के लिए थोड़ा ग्रीन। इतनी अच्छी नहीं बन रही, खराब हो गई। मैंडी मेरी मदद कर सकती है। मैंडी, मैंडी, ला ला ला, टॉयलेट पर बैठो। मैंडी दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी पेंटिंग खराब हो गई। मजा आ रहा है, प्लीज प्लीज। अच्छा लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह रुको, मैं अपनी हेयर बन से नॉक खोल सकती हूँ, मैंने ये मूवीज में देखा है। मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, मैंने कर ही दिया, ये काम भी कर गया। मैंडी, मैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पेंट कर रही थी और ये खराब हो गई, मेरी मदद करो ना। ये स्वॉप इतना लंबा है, ये बेहतर है। इससे मुझे एक आइडिया आया, चलो आओ। हमें थोड़े और कॉटन स्वॉप चाहिए, हम इन्हें साथ में जोड़ेंगे। इस पर डबल बैंड लगा देते हैं। अब तुम पेंट कर सकती हो। कैसे? ग्रीन पेंट में कॉटन स्वॉप्स को डुबो, अब इसे पेपर पर प्रेस करो, इससे लीफ इफेक्ट आता है। वाह, मैं ट्राई करूं? कितना आसान है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक सिंगल कॉटन स्वॉप चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। पहले मैं येलो पेंट से कुछ डॉट्स बनाऊंगी और ये अच्छा लग रहा है। ये मत भूलना, एक बी हाइव है ना? लो, काम हो गया। हर हाइव पर बीज तो होनी चाहिए। कैसा लग रहा है? ये परफेक्ट है। आखिरकार मॉम आ गई, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, ये फूल बहुत खूबसूरत है। हाय मॉम, हैप्पी बर्थडे। रुको, आज मॉम का बर्थडे है, घबराओ मत। हमने आपके लिए पिक्चर पेंट की। रुको, हमने पिक्चर पेंट की? ओह गर्ल्स, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। ऐसी चीजों के लिए आपके पास कौन से हैक्स हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी को गेम्स खेलना पसंद है, और आप किस तरह के गेमर हैं? ये आपके वॉलेट के पैसों पे डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं फैंसी वेपनरी वर्सेस बॉट्स और फैंस वाले लोगों की। आप किस तरह के गेमर हैं? फोन सेट है, विग भी लगा लिया और हेडसेट भी। चलो शुरू करें, आपको बहुत मस्त किया। लेंस दोबारा गंदा हो गया, माफ करना दोस्तों। ओ, लाइट यहाँ है। चार बज गए, मैं गेम शुरू करती हूँ। आज मैं क्या पहनूं? मुझे इसका स्पोर्ट पसंद है और लेदर भी अच्छा लगता है, पर मैं शॉर्ट्स में नहीं लड़ने वाली। एक फिशरमैन, शायद ये चलेगा, पर एक फिशिंग रॉड ज़ॉम्बी को कैसे हरा सकती है? ओह, इतने सारे कलर्स, और मुझे यूनिकॉर्न पसंद है, पर हॉर्न के बिना। ये लड़की कूल है, और वो मेरी तरह भी लगती है। मैं खेलने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बढ़िया, अब इसके लोड होने का इंतजार करना है। मैं किसकी तरह लगूंगा? ये लड़का तो बस अभी उठा है, वो थका हुआ भी लग रहा है, पर एक बढ़िया वेपन काम आएगा। फ्राइंग पैन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? पता नहीं, वो अभी भी ठीक नहीं लग रहा। रुको, वापस जाओ। पता नहीं,
क्या मेरे पास यही ऑप्शंस है? मुझे अपनी ताकत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। कम से कम ये फ्री है। मुझे इतना स्कोर बनाना पड़ेगा। मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। नहीं, अभी नहीं। मैंने जितनी भी चीजों पर काम किया वो सब उड़ गए। अभी क्या भी कुछ करना होगा। ओ, मैं आ रहा हूँ चार्जर। चलो भी 1% बिल्कुल मत हिलना। हाँ, पहुंच गया। अभी मिलता हूँ मिस्टर कंप्यूटर। चार्जर यही होना चाहिए। मिल गया। हे, इसमें लगो। ये बंद हो गया? नहीं। बढ़िया, मैं राउंड जीतने वाली हूँ। सच में? शुक्रिया, मेरे पास 2 फोन हैं। हाय, कैसे हो? आई लव यू। मेरे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो कोई वायरस लगता है। ये नहीं हो सकता, मैंने अभी ही शुरू किया था। मेरा टैबलेट? नहीं। हाँ, इसमें से बाहर निकलो। ये तो बस एक ग्लिच है। ओह, बाल बाल बचे। अरे यार, क्या दिन था। गेम खेलकर सब ठीक हो जाता है। पहले से ऑन करना है और अब हम इंतजार करेंगे। डेटेड इक्विपमेंट का क्या साइड इफेक्ट है? शुरू होने वाला है। हाँ, अभी तक लोडिंग हो रही है। पता नहीं और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा। और मैं नहीं सह सकता। तुम लोड क्यों नहीं हो रहे? हाँ, हर एंगल से दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीजें मेरे हिसाब से चल रही हैं। बस थोड़ा और बाकी है। हो, ये मेरा ऑफिस नहीं है। क्या मैं गेम के अंदर हूँ? कितना कूल है। किसे पता था मैं इतनी देर भाग सकती हूँ। हाँ, ये गेम तो चलते जा रही है। ओ क्रिस्टोफर, ये लड़का सोएगा भी या नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सोने का समय है ना? बस जा ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब मैं सो जाऊंगा। ठीक है, तुम एक ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। वो गई, मतलब गुड नाइट। उन्हें क्या लगता है मेरा कंप्यूटर मुझे बुला रहा है? बिल्कुल आराम से। अब बारी है राउंड 2 की। एक और दिन, एक और गेम। मुझे अच्छी लग रही है। मैं ही जीतने वाली हूँ और ये मेरा आर्ट सेटअप बहुत मदद करेगा। शुरू करते हैं। क्या ये तो 10 सेकंड भी नहीं टिका। ठीक है, दोबारा ट्राई करेंगे। ये कैसा मजाक है। चलो भी, मैं समझ गई। मैं ऐसे कैसे हार सकती हूँ? मदद करो। परेशानी क्या है? मैं हार रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है। मैंने पूरी जिंदगी इसी की ट्रेनिंग ली है। लो, चलो, समझ गए। पेट पर ध्यान दो। माफ करना, तुमने कर दिया, तुम जीत गए। मैं एक चैंपियन हूँ। हग्स? हाँ, वो कहाँ गया? उसने मेरा स्कोर बढ़ा दिया। चलो पार्टी शुरू करें। स्क्रीन साफ होनी चाहिए।
सब लग गया और शुरू करने के लिए तैयार है। थोड़ा मुश्किल है। ओह, लग गए? ठीक है, बिल्डिंग के पीछे जाना है। हाँ, पकड़ो। हो गया? नहीं। आज मेरे लिए अच्छा दिन है। अब इसे क्या हुआ? रुको। क्या? क्या? माउस? अब मैं क्या करूं? काश मेरे पास एक नया माउस होता। निबल्स 3000। कितना अच्छा है। शायद मेरे पास इसके लिए पैसे हैं। ओह, ये रहे। ये एक डॉलर में तो नहीं आएगा। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये मजेदार है। आ रहा हूँ। किसने कहा कि हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं? मुझे बस यही चाहिए। थोड़ी स्निप्स यहाँ और थोड़ी नॉट्स यहाँ। बस हो ही गया। और ये आया मेरा खुद का नेवर 3000। अब इसे देखना दोस्तों। मैं एक जीनियस हूँ ना? ये ज़ॉम्बीज नहीं बचने वाले। हे, ये चल नहीं रहा। अभी तो धोखा मत दो। इसे कचरे में डाल दो। बहुत गुस्सा दिलाता है। नेवर 3000। ये हुई ना बात। एक अच्छा गेट कभी निराश नहीं करता। ओह, इसे भूख लगी है। आप किस तरह के गेमर हैं? जिसे सब मिल जाए या फिर आपको खुद ढूंढना पड़ता है? चाहे जो भी हो, मजा आना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी थोड़ा हंसाएं। चलो मान लेते हैं कि हम सब बाथरूम में बहुत समय बिताते हैं, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। टॉयलेट को चमचमाता हुआ बनाने के लिए हमारे पास ये हैक है। ड्रिल से ये करना आसान हो जाता है। बस साथ में ब्रश अटैच्ड होना चाहिए। जरा देखो, एकदम साफ हो गया। अब जरा मुझे थोड़ा अकेले समय बिताने दो। हे भगवान, क्लास में इतना समय लग रहा है। मुझे सुसु करने जाना है। इसका जवाब कौन देगा? तुमने हाथ खड़ा किया, शानदार। नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है। ये क्यों हो रहा है? थोड़ा जल्दी करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम खुद आए। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी लिख देती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये ठीक है? बहुत अच्छे बेटी। उसे क्या हो गया? जल्दी हटो, मैं आ रही हूँ। हे, माफ करना बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें जरा रुकना होगा। मैं मजाक नहीं कर रही डेविड, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम यही कर सकते हो। रुको, मेरे पास नोट्स हैं। हाँ हाँ, होंगे ही। मेरी मॉम ने इसे लिखने में मेरी मदद की। मुझे जाना होगा। बस एक मिनट रुको। तुम्हारी खूबसूरती। मुझे जाना होगा। बस 5 पेज और है। तुम्हारी खूबसूरती। सब अच्छा है। फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं, उसे मैं पसंद तो हूँ। मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। लेट्स अब मुझे और जल्दी है। ये सब करना बंद करो। पर सच कहूँ तो इनकी मूव्स अच्छी हैं। Shake it, clean it. ठीक है, मुझे अब कुछ करना होगा। अब वो इस तरफ जाएंगी। चलो चलो चलो। ये गलती थी। मैं इससे डर चुकी हूँ। आखिरकार अब मैं इस थ्रोन पर बैठ सकती हूँ। ये कैसा मजाक है? ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, खोलूं? कोशिश करते हैं। ये बहुत गंदा है। मुझे ट्रैश बैग चाहिए। इसे टॉयलेट बोल पर लगाएंगे और अब मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, शांति मिली। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओह हाँ, अजीब है। हमने नहा लिया, मजा आ गया। उप्स, शुक्र है मैं घर पर अकेली हूँ, नहीं तो शर्मिंदा हो जाती। कैसे हो?
ये हमारा सीक्रेट रहेगा। जाना होगा। चलो तैयार हो जाएं। ओ नहीं, दोबारा नहीं। फिर वो वहाँ नहीं है, किसी ने नहीं देखा। ओ, लगता है देख लियो। मुझे कॉल करना टीना। हेलो। ओ तो कंटिन्यू करें। ये मीटिंग रिकॉर्डेड है ना? मैं क्या कर सकती हूँ? पहले टॉवल को कोने से मोड़ देते हैं, अब एक सुई धागा चाहिए। सीम बनाते हुए कोने को सिल देंगे, बिल्कुल दूसरे एंड तक जाएंगे। अब एक इलास्टिक का पीस और सेफ्टी पिन चाहिए। इसे हम नई वाली सीम में डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। एक सुई लेंगे और दोबारा सिलेंगे। इलास्टिक को टॉवल से सिल देंगे, बस ये टिका रहे। अब फालतू का थ्रेड काट देंगे। अब इसे कोने से इलास्टिक और पिन को काट देंगे इस तरह। अब हमें ग्लू चाहिए। टॉवल के एंड में बस थोड़ा सा लगाएंगे। अब इस पर वेलक्रो का पीस लगा देंगे। चलो ट्राई करें। अब ये टिक गया। मैं तो इसमें कूद भी सकती हूँ। ये काफी बेहतर है। मुझे चॉकलेट स्प्रेड पसंद है, सबसे अच्छी है। हाँ? ओ, तुम्हें भी चाहिए? तो ये लो। टीना, तुम क्या कर रही हो? ओ हे मॉम। चलो अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आई। कोई बहस नहीं। चलो जाओ साफ करो। ये अजीब है। ओ, ओ, ओ। ये मैंने क्या किया? मैं टीना को जाकर देखती हूँ। चलो जल्दी निपटा ले, मैं इतनी भी गंदी नहीं हो रखी। जरा चॉकलेट को देखो टीना। चलो जल्दी ब्रश करो। पहले ब्रश करेंगे। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। ये बहुत आसान होगा, बस थोड़ा सा और। इतना काफी है? ये मिंटी होगा। कम से कम वो अपने दांत ब्रश कर रही है। जरा रुको। टीना रुक जाओ। मजा आ गया। ये देखो, मैं इससे बोर नहीं हो सकती। पीव, ये लो। पीव, पीव। मुझे दांत ब्रश करना बहुत पसंद है। रुको, और नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? टूथपेस्ट नीचे रख दो। नहीं टीना, इसे संभालना होगा। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। ओ ओ, तुमने मुझे हरा दिया। ये शायद गलती थी, मैं दांत ही ब्रश करूंगी। ये हुई ना बात। मेरे पास एक आइडिया है, शायद ये हमारी मदद करेगा। ये क्या है? इसे मैं यहाँ रखूंगी। अब इसके ऊपर टूथपेस्ट रखेंगे। ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा। टूथब्रश को इसके मुंह में डालो और जितनी टूथपेस्ट हमें चाहिए वो निकल आएगी। देखो कितना आसान था। वाओ, आपने तो कमाल कर दिया। मैं ट्राई करना चाहूंगी। बस इतना ही। ये काम किया? बहुत अच्छे। देखो मॉम, मैं कर रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची। ओह, मुझे ट्रैफिक से नफरत है। चलो भी हिल जाओ, बहुत बुरा है। चलो गैस पेडल इस्तेमाल करो। ओह, बहुत गर्मी है। शुक्रिया मेरे पास पानी की बोतल है, मुझे यही तो चाहिए। अब ट्रैफिक चलने लगे। मैं कितने घंटों से यहाँ फंसी हुई हूँ। बहुत बोर हो गई हूँ और पानी भी खत्म हो गया। चलो, तुम्हें ड्राइव करना किसने सिखाया है? बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं। जरा रुको, शायद पानी नहीं पीना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ। जल्दी करो, ऐसा होना जरूरी है क्या? एक सेकंड रुको, मैं ये बॉटल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे बस पैंटीज चाहिए और एक पानी की बॉटल। ऊपर की तरफ से इस तरह काट देंगे। अब कैप में एक होल करेंगे, इतना काफी है। अब रबर ट्यूब को कैप में लगाएंगे। अब पैंटीज में होल कर देंगे और ट्यूब को इस होल में डालेंगे। नीचे वाला हिस्सा पैंटीज के अंदर होना चाहिए। अब कैप को भी इसमें से निकाल लेंगे। कार के अंदर गंद नहीं मचना चाहिए। अब ठीक है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब मैं घर आराम से जा सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
और कॉफी चाहिए टीना? भर दो, बहुत ठंड लग रही है। इससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी। मैं भी लूंगी। बस थोड़ी हीट चाहिए। मजा आ गया। ओह हाँ, कॉफी जितनी भी लो कम ही पड़ जाती है। आने दो, क्या फर्क पड़ता है, अब सब ठीक है। मैं इसे पूरा दिन पी सकती हूँ। शुक्र है हमारे पास ये मग्स हैं। मैं इन्हें साफ नहीं कर रही। अब इसे बेहतर लग रहा है और लगता है मुझे सुसु करना है। मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं, शायद लास्ट कप ज्यादा हो गया। चलो भी। ये क्या था? पेटी तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? टॉयलेट सीट। ये आइस क्यूब जैसा लग रहा है। तुमने गलती कर दी, तुम्हें पहले इसे गर्म करना चाहिए था। सच में? ये ट्राई कर लो। ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा। तुम अपने आप को तेज समझते हो? हाँ, तो मेरे पास ये है, इसे एकदम गर्म हो जाएगा। और अब क्या ख्याल है? हाँ? टीना, क्या एक परेशानी है? क्या ही बोलूं? मैंने पूरी कोशिश की, तो अब क्या? रुको, लगता है मैं समझ गई। यही रुक जाओ। ये तुमने कैसे किया? हाँ, मुझे वो चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। टॉयलेट सीट पर लेगिंग्स लगाएं, अब इसमें एक होल करें। तुम्हें कैसा लगा? चलो ट्राई करें। करो करो, मैं जानती हूँ हम अच्छे दोस्त हैं, पर चलो भी। ओह, यहाँ सही है, बहुत अच्छा आइडिया था। तो हम कहाँ थे? मुझे और कॉफी दो। बहुत ही बढ़िया है। चीयर्स। अब मुझे बाथरूम जाना होगा, मैं नहीं रोक सकती। तो मेरा बाद में शुक्रिया अदा कर सकती हो। ये क्या है? शायद ये मिस्टिकल लैंड का एक सीक्रेट पोर्टल है। इसे पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, मैंने ब्लशिंग पिंक टॉप मंगवाया था, कैंडी पिंक नहीं। तो चलो बस थोड़ा और ध्यान रखना। ये जेरेड, नहीं रुको, ये मजेदार होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये करने के लिए मना किया था। ये ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ इसके पीछे एक सीक्रेट पोर्टल है। प्लीज रो मत, देखो मेरे पास क्या है, तुम्हें पसंद आएगा। मुझे दो। बाल बाल बचे। शायद ये कैप काम आए। मेरा मतलब है इसका साइज बिल्कुल सही है, इसे ट्राई करना तो बनता है। मुझे थोड़े और योगर्ट ड्रिंक्स चाहिए। मैं इसे आउटलेट में डालूंगी और इसके कैप को ट्विस्ट कर दूंगी। अब कोई भी फिंगर इसके अंदर नहीं जाएगी और शायद अब मैं आराम कर सकती हूँ। तो मैं ये बेबी ब्लू कलर का टॉप ऑर्डर करूंगी, रॉयल ब्लू नहीं। अब पोर्टल में जाने का समय है। हाँ? क्या हो रहा है? मैं ये बोरिंग है, मैं जानती थी ये काम करेगा। अब मुझे पूरे घर को जेरेड प्रूफ करना होगा और फिर उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। सोने का समय है। हाँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छे से सो डार्लिंग। क्या वो चले गए? मैं सोने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं थोड़े मजे करती हूँ। मुझे ये स्लाइम बहुत पसंद है, ये कितना स्ट्रेची और स्क्विशी है। क्या तुम भी ये ट्राई करना चाहोगी डॉली? बस इसे सारा खा लो। ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ? क्या सुबह हो भी गई? ओ नहीं, क्या हुआ? अपने बालों को देखो, वो पूरे स्लाइम से भर गए। ये पूरे स्टिकी और गंदे हो गए, ऐसा क्यों हुआ? मेडिसिन, क्या हुआ? मेरी डॉल देखिए। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब ये तो बालों में फंस गए। रुको, क्या ये स्लाइम है? उफ, मेरा मतलब हाँ, हो सकता है, वो मुझे दो। तुम जानती हो ना, इस घर में स्लाइम मना है। चलो अब देखिए अब इसके बालों को क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं, ये धुलने से नहीं निकलेगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, इसे गंजा कर देते हैं। रेजर नीचे रखो डैड। नहीं, ये जल्दी हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसे सूट करेगा। पता है क्या, मुझे मजा आ रहा है। वाह, इसका सर तो चमक रहा है।
हो गया, मैंने कर दिया, ये अच्छी लग रही है। अपनी डॉल की नई लुक को हेलो कहो। क्या आप पागल हो गए हैं? उसे देखिए जरा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैं नहीं जानता तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। एक सेकेंड, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे अगले पार्ट के लिए निडल की जरूरत है। मैं इसे डॉल के अंदर डालूंगा और दूसरी साइड से निकालूंगा, फिर मैं निडल को हटा दूंगा। वैसे ही सेम मैं येलो स्ट्रिंग के साथ करूंगा। मैं इसे पहली स्ट्रिंग के साथ लगाऊंगा और ऐसा करता ही जाऊंगा जब तक डॉल का सिर पूरा बालों से भर नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे, ये शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है उसके बालों में रेनबो है। तुम्हें क्या लगता है मेडिसिन? मुझे ये पसंद आया डैड, ये बहुत रंगीन है। शुक्रिया डैडी, आप सबसे अच्छे हैं। मैं हूँ, है ना? शायद मुझे भी डॉल्स की तरह अपने हेयर स्टाइल करने चाहिए। कप्स को बाहर निकालना बेहतर होगा। टी पार्टी चल रही है। हाँ किडो, ये बहुत अच्छा है। अब मेरा टी पॉट कहाँ है? ये बहुत फ्रेश है, मैं जानती हूँ आपको पसंद आएगा। और मेरे पास कुछ कैंडीज हैं। चिंता मत करो, सबके लिए काफी है। और मेरे पास एक और ट्रीट है, एक स्वादिष्ट सॉसेज। रुको, कितना काफी है? यहाँ हम तीन हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सॉसेज है। ये काम नहीं करेगा, शायद मैंने तीन पीसेस में ब्रेक कर सकती हूँ। तुम ये स्पॉट कर सकती हो? सॉसेज को दिखा दो कि बॉस कौन है। ये टूट नहीं रहा। उप्स, माफ करना डैड। क्या हो रहा है? यहाँ हम तीन लोग हैं, देखो। ओह हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। एक दो तीन, और यहाँ सिर्फ एक सॉसेज है। हमें इसके बारे में सोचना होगा। शायद मेरे पास इसका हल है। इस छोटे गैजेट को देखो, हमें इसी की जरूरत है। हेलो, मैं एक ऑर्डर देना चाहूँगा। जरा ये देखो मेडिसिन, ये सॉसेज को बड़े अच्छे से स्लाइस कर देगा। चलो इसे टेस्ट करें। मैं इसे खोलता हूँ और सॉसेज को होल्डर के अंदर रखता हूँ। ये मेटल बार्स सॉसेज को पीसेस में कट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। वाह, ये बहुत आसान था। अब आगे क्या करना है? वाह, अब हट जाइए। इतनी जल्दी नहीं स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए इसे प्लेट में डाल देता हूँ। ये लो। शुक्रिया। मुंह खोलो। मैं तुम्हारे बगैर क्या करता? क्या टेक्नोलॉजी कमाल की नहीं है? अपनी टी पार्टी के मजे लो स्वीटी। ये लो डैडी। मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। टाउन में कैट बगलर थी। हाँ, ये बस एक मजाक था। ओ हाँ, मैं समझ गया। मेडिसिन, क्या हुआ डैड? तुम्हें डॉग को वॉक पर ले जाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, मुझे बस तैयार होना है। ठीक है, हो गई। चलो डॉगी। रुको, पूप बैग मत भूलो। बेहुदा, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो इसे एक साथ घुमाते हैं। तो ये रहा मेरा लेजी डे। ये अच्छा है ना डॉगी? क्या हुआ? ठीक है, तुम कुछ कर रहे हो? हे, हर कोई करता है। फ्यू, तुमने खाया क्या था? ये तुम्हारा है स्वीटी, आप थे जिसे डॉग चाहिए था। ठीक है, ऐसे गंदे काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? मैं इसे छूना नहीं चाहता, ये बदबूदार है। माफ करना, मैं नहीं कर सकता। हम ये छोड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ, हम तुम्हारा हेयर क्लैप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैं पूप को उठा लूंगा। देखो और सीखो, मैं इसे बैग के अंदर डालूंगा और फिर मैं पूप को उठा सकता हूँ। और मुझे इसे छूने की जरूरत भी नहीं। फिर मैं बैग को सीधा कर दूंगा और काम हो गया। ये कचरे में जाएगा। दिमाग और शानदार मूछे, और तुम ये क्लास वापस ले सकती हो। चलो। देखो मैं क्या लाया, कुछ प्यारे स्वादिष्ट वेजिटेबल्स और फ्राइड चिकन का पूरा बकेट। मैं इसके मजे लूंगा। इनकी खुशबू तो सूंघो। क्या हुआ? हमें बात करनी है। आप चिकन खाएंगे और मैं ये? मैंने रूल्स नहीं बनाए, मेरा मतलब चार्ट में देखो, क्या तुम्हें यहाँ कोई फ्राइड चिकन नजर आ रहा है? चलो भी। मैं जानती हूँ, मेरे ख्याल से हमें गेम खेलनी चाहिए। रुको, तुम्हारा ये मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे चैलेंज पसंद है। अगर मैं जीती तो हम खाने की अदला बदली करेंगे। मुझे ये पसंद आया, तो चलो। मेरे पास क्रीम है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। हाँ हाँ, जो भी है। ठीक है, ये तैयार है। तो ठीक है, ये बहुत मजेदार है। मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। कुछ नहीं हुआ। ये तो तुम्हारा लक था।
मेरी बारी। मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। नहीं, हाँ, मैं जीत गई। ये ठीक नहीं था। आप हमेशा ऐसा कहते हैं, तो अब मुझे चिकन दो। अब हुई ना बात। आप सही कह रहे थे, इनकी खुशबू कमाल है। हे रुको, चलो एक और गेम खेले। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोशिश कामयाब रही। मुझे वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते। यक। नहीं, नहीं। वाह। मेडिसिन, क्या तुम फिर से बेड से गिर गई? वो सोती कैसे रह सकती है? हो गया। खुशकिस्मती से मेरे पास एक बढ़िया सॉल्यूशन है। इससे वो एक ही जगह टिकी रहेगी और नहीं गिरेगी। क्या? उसने ऐसा कैसे किया? ऐसा हर रात होता है। लेकिन मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं बेड के चारों ओर बून नूडल्स लगा दूंगा। मैंने इसे काट दिए थे ताकि अच्छे से लग जाए। जब मेडिसिन इसके आसपास भी आएगी तो वो फॉर्म से टकरा जाएगी और फिर वो अब और नहीं गिरेगी। मैं बहुत खुश हुई, काम किया। अब मुझे चुप रहना चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। एक स्वादिष्ट कैंडी एग। मुझे ये चाहिए। ये इतना आसान भी नहीं है। मैं इसे कप के नीचे रखूंगा और इसे घुमाऊंगा। तुम्हें गैस करना है कि किस कप के नीचे कैंडी है। तो क्या तुम लकी हो? तो फिर चुनो। मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मेरी मदद कर सकते हो? ये मुश्किल है। हमें कैंडी ढूंढने के लिए मेडिसिन की मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन से कप के नीचे होगा? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयार हो? तुम तो गई। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे ताजी चीजें डालने वाली हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कोई बूगर्स नहीं। इससे मुझे एक आइडिया आया। ये लगता तो एक साधारण कप है। इसके अंदर एग डालेंगे। एव, कितना गंदा है। इससे योक और वाइट अलग हो जाएगा। कूल है ना? वाओ, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मुझे जल्दी करना होगा। ओह, ये ठीक से नहीं जा रहा। लगता है मेरा कप एक्सेलेंट है। ये फनी नहीं था मैं। अभी मैंने ये खत्म भी नहीं किया। कैसे तुम ये कैसे कर सकती हो? तो अब क्या? हमें जज करना होगा। और अब क्या? मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ। मैं आ गया। आउच, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। मैं कितनी जवान लग रही हूँ। तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये क्या हो रहा है? ओह, मैं समझ गया। खैर, तो इंतजार किसका है? देखते हैं। ये दिलचस्प लग रहा है। ये रहा तुम्हारा पहला चैलेंज, एक स्वादिष्ट सैलेड। तुम शुरू कर सकते हो। अरे वाह, जरा ये सब्जियाँ तो देखो। मजा आएगा। मैं एक अनियन से शुरू करूँगी, पर मुझे इसे काटना नहीं है। मेरे पास ये गैजेट है। इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा अनियन। ये स्पाइक्स इसे टिका कर रखेंगे। अब बस हैंडल को घुमाना है। ये काम कर रहा है। वाह, मुझे ये पसंद आया। अनियन की पतली पतली स्लाइसेस कट रही है। देखो ग्रैंड डैड। हिप्नोटिक है। मुझे देख कर ही चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी कुछ सोचना होगा। गुड लक, आपको जरूरत है। क्या ये बात है? मुझे फैंसी गैजेट्स नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी ड्रिल है। वुडन स्क्यूअर पर मिर्ची को लगाएंगे। अब मुझे चाकू चाहिए। मुझे डीआईवाई करने में मजा आता है। मैं तुम्हें हैरान करने वाली हूँ। चलो इसे दिलचस्प बनाएं। इस बार मैं बड़ी मिर्ची लूंगी। फिर बहुत मेहनत का काम है। मैं थक गई हूँ। हाँ ग्रानी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या तुम ठीक तो हो हनी? इससे बेहतर और क्या होगा। मैं एक लीन मीन वेज स्लाइसिंग मशीन हूँ। चॉप चॉप चॉप। इतना काफी है। मजेदार था। कैसे आपने ये कैसे किया? ये तो कमाल है। मुझे सच में पसंद आया। मैं कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ अनियन रिबन है। खैर, ये अजीब है। जो भी हो, चलो देखते हैं। ये डिसीजन बहुत मुश्किल है। ये ग्रानी जीतती है। ओह शानदार, मैं बहुत खुश हूँ। किसी को सब्जी खानी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो खाओ, तुम्हारे लिए अच्छी है। खैर, तो मैं ही खा लेती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया स्वीटी।
हाँ, मेरा इंतजार कर रहे हो? ये रहा तुम्हारा अगला कुकरी चैलेंज, एक यम्मी सैंडविच। चलो हट जाओ, इतना भी रूड मत बनो। वो जरा रुको, मैं यहाँ कोई बदतमीजी नहीं सहूंगा। माफ करना ग्रैंडडैड, हम क्या इस्तेमाल करें? मैं सोचता हूँ। ओह समझ गया, मेरे पास एक चीज है। स्मेल तो ठीक है, ये लो पकड़ो। ओह ये क्या है? ब्रेड, मुझे सिर्फ यही मिला, मुझे ये बैग से मिला। मैं क्या करूं? एग को कप में रखते हैं, शेल पर टैप करते हैं। हाँ मुझे लगा था ये टूट जाएगा। रुको ये रहा, थोड़ा समय लगेगा। आराम से बस एक स्लिप करना है और ये हो जाएगा। आराम से शेल को निकाल लेंगे, निकल गया। ये करना कितना रिलैक्सिंग है, मेरी टेंशन खत्म होती जा रही है। ये बिल्कुल पजल जैसा है। ओह इतना बड़ा पीस, देख हो गया। अभी मजेदार हिस्सा, इसे जार में रखेंगे, लिक्विड एग पर छप जाएगा। ओह कितना प्यारा है, अब इसे आधा काटेंगे उंगलियों से बचाकर। इसका स्वाद बिल्कुल एक जैसा होगा। इस पर चीज डालेंगे और एकदम ताजी क्रंची लेटर्स। अब इस पर टोमेटो रखेंगे, थोड़ी और चीज और मेयो। जब ये हो जाए तो बचा आधा हिस्सा इसके ऊपर, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। मुझे जरा सी सेसमी सीड्स भी डालनी है, थोड़ा गार्निश करेंगे और ये बन गया एक टेस्टी एगी सैंडविच। बढ़िया लग रहे हैं, मैंने ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। यहाँ मेरा काम पूरा हुआ। ये तुमने बनाया, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास भी ट्रिक्स बाकी हैं। मैं जरा सा चीज लूंगी और ये रहा मेरा सुपर श्रेडर। सारी मेहनत मैं ही क्यों करूं? चीज को यहाँ रखेंगे, अब इसे घुमाएंगे। ओह वर्कआउट हो रहा है, मैं जिम वाली बॉडी बना लूंगी। इसे बोल में डालेंगे, बस थोड़ा और, ये काफी है। और अब इसमें थोड़ा कलर डालेंगे, मैं रेड फूड डाई इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे मिक्स कर देंगे, बस चीज ही कलर एब्जॉर्ब कर ले। बढ़िया लग रहा है, जी हाँ ये कितना वाइब्रेंट है। मैंने चीज में अलग अलग कलर्स मिला लिए हैं। और अब आहा, मेरे पास एक हार्ड कुकी कटर है, इसे ब्रेड में प्रेस करेंगे। ऐसा ही दूसरे पीस के साथ भी। अब दो हार्ट बन गए, लव यू बे। एक हार्ट पर चीज लगाएंगे, मैं लेयर्स बनाना चाहती हूँ बिल्कुल इस तरह। अब इस पर दूसरा हार्ट रखेंगे, अब इसे ग्रिल कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे अपने सैंडविच पर ध्यान दो। गोल्डन ब्राउन, खुशबू अच्छी है। आ स्वादिष्ट, ये देखो कितना गूई है, ये परफेक्ट है। विनर तो एक ही होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो। आप क्या सोचती हो ग्रैंडडैड? बहुत क्रिएटिव है, मैं टेस्टी लग रहा है। ओह एक ग्रिल चीज सैंडविच, वो ये मल्टी कलर्ड है। ये टाई हुआ, सच में मुझे चलेगा, ये सही हुआ। हाँ मैं कहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा था। जो भी हो ये रहा अगला चैलेंज, क्रेप्स। ओह क्या, चलो जल्दी बनाओ। ओह मजा आएगा, ठीक है कितना ही मुश्किल होगा, हमारे पास सारा सामान है। ओह मुझे चॉकलेट सिरप मिला, मेरा फेवरेट, मैं मजे करूंगी। मैं जानती हूँ क्या करना है, देखने दो। ओह बिल्कुल नहीं, अपनी साइड पर रहो, मुझे बोल चाहिए। एग से शुरू करते हैं, मुझे शेल्स नहीं चाहिए। क्रंची क्रेप्स किसे ही पसंद होते हैं। अब इसमें दूध डालते हैं, लगता है इतना काफी है। अब फ्लावर डालेंगे, मुझे नाप लेना चाहिए, पर मैं मैवरिक हूँ, मैं अपने रूल्स खुद बनाती हूँ। अब इसे साथ में मिक्स करेंगे, लाइट सा फ्लफी मिक्स बनाएंगे। ओप्स थोड़ी गड़बड़ हो गई। हे ऐसा ही होता है, पता नहीं ग्रैनी क्या कर रही है। मेरी चिंता मत करो, पहला तैयार है, अब टॉपिंग्स डाल लेते हैं, जल्दी करते हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने क्रेप बना लिया, मुझे इस पर गर्व है। इस पर चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे, ये एकदम मीठा होना चाहिए। मैं बोल को सफा चट कर दूंगी। इसे क्रेप के ऊपर फैलाते हैं, और ज्यादा चाहिए। वो जरा देखो ये खूबसूरत है। और मुझे सारे चॉकलेट चाहिए, मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। ओह हाँ ये हुई ना बात, पर कुछ मिसिंग है, एक बनाना। मतलब ये हेल्दी है, क्या फर्क पड़ता है, बस इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। बनाना को मसल लेंगे। ये बहुत सख्त है, मदद चाहिए।
ध्यान से। क्या ये शीप है? हाँ बिल्कुल, इसे खोलते हैं। बनाना के सेक्शन को होल में रखेंगे, अब इसे वापस बंद कर देंगे। लगता है ये तैयार है। अब टेल को घुमाएंगे। ये मजेदार है। इस वीडियो को बनाने में किसी शीप को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। देखो बनाना बाहर आ रहा है, जरा आगे से तो देखो। अब शीप के बैग से हम बनाना को निकाल सकते हैं। ऐसा सुनने में बहुत अजीब लगता है। अब इसे क्रेप पर डालेंगे। चॉकलेट और बनाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे अच्छे से फैला देंगे। अब रोल करेंगे। ये मीठा सुशी रोल जैसा लग रहा है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अब बस फिनिशिंग टचेस, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे। डेंटिस्ट को ये देखकर बहुत गुस्सा आएगा। ओह स्प्रिंकल्स बहुत सुंदर है। ये एक आर्ट है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। अब आप देखो ग्रानी। ओह मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं जल्दी निपटाती हूँ। मेरा क्रेप दिलकश होगा। इस पर टोमेटो पेस्ट लगा देते हैं। ये परफेक्ट है। अब इस पर चीज डालेंगे। मैं ये नहीं फैला सकती। अब मैं क्या करूँ? काश मेरे पास भी एक छोटी पेट शेप होती। रुको मैं समझ गई, मैं ये छन्नी इस्तेमाल करती हूँ। ये भी यही काम करेगी। इसे ब्लॉक चीज के ऊपर रखेंगे और ये होल्स में से निकलेगी। बिल्कुल इस तरह। अब मैं इसे निकाल सकती हूँ। क्रीमी लग रही है। इसे क्रेप पर लगाएंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा। चलो इसे रोल कर ले, ये बहुत आसान है। अब ये पूरा नहीं हुआ, इस पर ऑयल लगाएंगे। बस इसका स्वाद अच्छा हो। हमने बना लिया। दो अलग अलग स्टाइल से बनी है, मैं डिश देखकर हैरान हूँ। रुको यहीं रुक जाओ। खैर तुमने मेरा मोमेंट खराब कर दिया। बस एक सेकंड दो, मैं इमरजेंसी के लिए सॉसेज अपने साथ रखती हूँ। मैं फोक से इसे स्लाइसेस में काट देती हूँ। तुम्हें मैश्ड सॉसेजेस तो पसंद है ना? देखना मुश्किल है। मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये मेरा प्यारा दोस्त है ग्रानी। हाँ क्या है? मुझे सॉसेज दो, सब कुछ मुझे ही करना होगा। पता है इन्हें सॉसेज डॉग्स क्यों कहते हैं? खैर अभी पता चल जाएगा। सॉसेज को यहाँ रखेंगे। ये छोटे छोटे पीसेस में कट गई है ना, कमाल की चीज। वाओ अब ये आगे क्या सोचेंगे? मदद के लिए शुक्रिया डियर, मेरे क्रेप को यही तो चाहिए। ये गोरमेट मील जैसी है। मैंने इतना भी नहीं किया। तो कैसा लगा? वो तुमने तो सब बदल दिया, ये टाई हुआ। वो हाँ तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। ग्रानी को तुम पर गर्व है। ओह एक कप जावा मजेदार है। ओह चलो भी, ये हर बार ऐसे ही करते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। मैं ठीक करना जानता हूँ, मेरी कॉफी के लिए एक स्वीट ट्रीट बनाओ। ठीक है चलेगा। थोड़ा मुश्किल होगा, हमारे पास सारी अच्छी चीजें हैं। रुको मुझे इंस्पिरेशन मिल गई, काम पर लगते हैं। मैं नहीं जानती क्या करूँ, ये टेस्टी लग रहा है। ओह बढ़िया, मैं मार्शमेलोस इस्तेमाल करूँगी। मैं सबसे अच्छा डिजर्ट बनाऊंगी, पर मुझे एक और चीज चाहिए, मेरा स्मोर मेकर। मैं इसके बिना क्या करती? इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इनाम्स को उठाएंगे, अब बेस पर क्रैकर्स रखेंगे, अब ऊपर एक चॉकलेट का पीस लगाएंगे और फिर मार्शमेलो। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब आर्म्स को वापस लगा देंगे, इससे ये सब टिका रहेगा। बहुत भारी है। स्मोर्स को माइक्रोवेव में रख देंगे। सब तैयार है, चलो ब्लास्ट दें। देखो मार्शमेलो पिघल रहे हैं, ये स्क्विशी हो जाएंगे और मैं यमी क्लाउड्स खाऊंगी। जी हाँ बाहर निकाल लेते हैं। मुझे इन्हें टेस्ट करना होगा, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाओ मुझे दो। जरा देखो तो सही। हे क्या कर रही हो? ये मेरे हैं। क्या? ओह हाँ यहाँ एक आपके लिए भी है, पर जल्दी करना, क्या पता कब गायब हो जाए। टाइम जा रहा है ग्रानी। हाँ ओ बिल्कुल, मैं प्रेशर में अच्छे से काम नहीं कर पाती, मुझे बेकिंग टिन चाहिए। इसमें चॉकलेट डालते हैं, मैं सारे इस्तेमाल करूँगी और फिर ऊपर मार्शमेलोस। इसे अवन में रख देंगे। ये बेसिक है पर अच्छा बनेगा। मैं इसे जलाना नहीं चाहती, लगता है आप बाहर निकाल सकते हैं। ओह खुशबू तो बहुत अच्छी है, मैं बेकिंग में माहिर हूँ। बस यही, मैंने पूरी कोशिश की। ये गोई है, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ शायद। बहुत बुरा लग रहा है, मैं ही जीतूंगी। हाँ कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, बधाई हो। अब ये स्मोर मुझे दो। ओह हाँ
तो ऐसी बात है हाँ? मैं कभी नहीं भूलूंगी, किस्मत खराब है। बकवास। आपके हिसाब से ये चैलेंज कौन जीता, ग्रानी या मिग? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जरूर काम करेगा, मुझे सही निशाना लगाना है। ओ, क्या बदतमीजी है। ऐसी तुम्हें अभी के अभी अपना चेहरा देखना चाहिए, अगले निशाने का समय है। ओ, नहीं 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 नहीं, मेरी उंगली में ये भयानक स्प्लिंटर घुस गया। ठीक है, अब शांत हो जाओ। चलो अब स्प्लिंटर को करीब से देखते हैं। हाँ, तुम्हारी उंगली में ये स्प्लिंटर ही गया है। मुझे तुम्हें और अच्छे से चेक करना होगा। मैं बस अपना स्टेथोस्कोप यूज करूंगी। ठीक है, चलो देखें। मुझे लगा ही था, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ओ, ये रहा। इसे मेरे करीब मत लेकर आना। ओह, तो फिर हैमर के बारे में क्या ख्याल है? क्या? हाँ, तुम सही हो। ठीक है, तो फिर शवल। आप कैसे स्कूल नर्स हो? ये बस एक छोटा सा स्प्लिंटर है। तुम सही कह रही हो, यहाँ जरूर कुछ ऐसा होगा जो मैं यूज कर सकती हूँ। आओ, एक सिरिंज। इससे सब ठीक हो जाएगा। अब प्लीज सीधे बैठी रहना। नहीं, ये देखो, ये सक्शन इस गंदे से स्प्लिंटर को अभी बाहर खींच लेगा। और हो गया। ओह वाओ, स्प्लिंटर निकल गया और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे। मेरी उंगली पर बस छोटा सा दाग पड़ गया है। ये क्या, तुम तैयार हो लेडीज? चलो अपना बदला ले। ये जगह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और यहाँ से बहुत ताजी खुशबू भी आ रही है। क्या, कितनी भयानक बदबू है, बहुत गंदी। ये बदबू आ कहाँ से रही है? पर ये मेरे में से नहीं आ रही, हो सकता है मेरे पैरों या शूज में से आ रही हो। मैं चेक करती हूँ। नहीं, अच्छा हुआ कि मैं स्मेल को रोकने के लिए क्लोथ्स पिन ले आई थी। अब मुझे यहाँ पर अपना बैग पैक खोलना होगा। हे भगवान, इस बैग में कुछ ऐसा है जिसकी स्मेल बहुत गंदी है। ओह, ये एक पुराना लंच है। शरा, हम दोनों को। नहीं, वो मेरे खराब खाने की स्मेल से मर गई। रखो, ये एक वीडियो है, मैं इसे रिवाइंड नहीं कर सकती। इतना ठीक होना चाहिए। और प्ले, आज की पिकनिक बहुत मजेदार होने वाली है। मैं इसे खाने को वेट नहीं कर सकती। रखो, हमें इस खाने को फ्रेश रखने के लिए कुछ करना होगा, मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं सिंक के टैप से थोड़ा पानी लेकर इस वाटर बॉटल में डालने वाली हूँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ आधा ही भरूंगी। परफेक्ट, अब मैं इसे यहाँ पर लेटा दूंगी और थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में डालूंगी। तो क्या अब हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा? क्यों? बस मेरा यकीन करो, काफी समय हो चुका है। अब मैं इस फ्रीजर को खोल देती हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। पानी बर्फ में बदल चुका है। अब हम अपने खाने को ठंडा रखने के लिए इसे अपने बैग पैक में डाल सकते हैं, और ठंडा खाना हमेशा फ्रेश रहता है। वाओ ऐसी। ठीक है, अब हम अपना पिकनिक लंच करने के लिए तैयार है। अपना बैग चेक करो, मैं इसे खोलती हूँ और खाना बाहर निकालती हूँ। ये रही वाटर बॉटल, बर्फ अभी भी जमी हुई है। बढ़िया, चलो अब देखते हैं क्या इसने वाकई हमारे खाने को ठीक रखा है या नहीं। मैं इसे निकाल कर स्मेल सूंघ कर देखती हूँ। रखो, ये कैसी स्मेल है? ये मुझसे आ रही है। मेरे पास इसके लिए भी सॉल्यूशन है। बॉडी से आने वाली स्मेल हमारी पिकनिक खराब नहीं कर सकती। तुम्हारे पास तो हर मर्ज की दवा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ट्रेवल करती रहती हूँ। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत हुआ, मैं एयर कंडीशनर ऑन कर रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे फैन चाहिए। वो ये क्या है? शरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पूरी जली हुई लग रही हो। हे भगवान, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रही है। लाओ, मैं तुम्हें ठंडक देने की कोशिश करती हूँ। नहीं ऐसी, ये काम नहीं कर रहा। क्या ये थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा? रखो, मैं अभी वापस आई। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ होगा जिससे मैं शरल की मदद कर सकती हूँ। ये आइस का बैग काम आएगा। शरल, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बर्फ लाई हूँ, ये तुम्हें ठंडा करने में मदद करेगी। ऐसी, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी काम नहीं करेगा। खैर, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। शायद मुझे शेरल को ही फ्रिज में डालना होगा। बिल्कुल नहीं। खैर, उसके बैग में ये बीच वाला टॉवल पड़ा है। रखो, आइडिया मिल गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
ठीक है, मुझे इस मुड़े हुए टॉवल में थोड़ा पानी डालना होगा। हो गया। अब क्योंकि ये गीला है तो मैं इसे फ्रीजर में डाल सकती हूँ, और अब मुझे इसे एसी में रखना होगा। खैर जम जाओ, बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा फ्रोजन टॉवल, लेकिन अभी ये इतना भी अच्छे से नहीं जमा। परफेक्ट, मैं वापस आ गई, और इस बार मैं तुम्हारे लिए बेहतर चीज लेकर आई हूँ। अब बस मुझे इस टॉवल को खोलना है। मैं इसे इस तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा और ठंडा लग रहा है, और अब तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो, है ना? शुक्रिया दोस्त। और बिल्कुल, मैंने अपने लिए भी एक बना लिया है, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। क्या आप कभी बुरी तरह से सनबर्न हुए हैं? हमें कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस चैनल के बारे में सुना है। वाओ, ये बहुत दिलचस्प है। ओ, कुछ हो रहा है। मुझे शांति मिली। वो कल मैंने क्या खाया था? शायद मेरा हो गया। इस बार मैं फ्लश करना नहीं भूलूंगी। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अब तक तो पूप को चले जाना चाहिए था। लगता है टॉयलेट खराब हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे नया टॉयलेट ऑर्डर करना होगा। अच्छा है कि मेरे पास ये मैजिक पैड है। हमारे पास यहाँ क्या है? नहीं, आहा, ये वाला। ओह, बहुत जल्दी आ गया। मैं आ रही हूँ। मैं आपके लिए पार्सल लाया हूँ। क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे लिए है? ये बहुत छोटा है, शायद कोई गलती हुई है। इतने भी क्या जल्दी है? ये आपके लिए है, मेरा यकीन करो। ये अजीब है, बाकी का सामान कहाँ है? ये टॉयलेट नहीं हो सकता, मुझे इतने छोटे टॉयलेट की उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ मजाक हुआ है। ये मेरा नया टॉयलेट है, मैं इस पर पूप नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? ये नहीं चलेगा, उसने पक्का मजाक किया है। हाँ? मेरे चिप्स खत्म हो गए, मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं परेशान हो गया हूँ। चलो देखते हैं ग्रैनी उदास क्यों हो गई। वो ये बहुत कूल है, ये तो बहुत छोटे हैं, और इनके अंदर कैंडी है, मुझे इसी की जरूरत है। एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पर इसमें और है। अगर मैं टॉयलेट सीट को उठाऊं तो इसमें बहुत सारी कैंडी है, मैं लॉलीपॉप को इसमें कोट करूंगा। वाओ, ये मजेदार है, और इसका स्वाद शानदार है। मेरा बॉक्स कहाँ है? डेविड, ये बेहुदा है। आजकल के बच्चे भी, मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। अगर तुम टॉयलेट में से खाना चाहते हो तो ध्यान से अपने दांतों को ब्रश कर लेना, जो भी हो। इस बॉल से काम नहीं चलेगा, ये बहुत छोटा है। ये हुई ना बात, ये डेविड के ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। ये आज का सबसे जरूरी मील है, उसे सीरियल बहुत पसंद है। डेविड, ब्रेकफास्ट तैयार है। ये अच्छी टाइमिंग है। शुक्रिया ग्रैनी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे दो, मुझे दो। मैं बस इसमें दूध डाल देती हूँ। क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकती हैं? सच में यहाँ क्या चल रहा है, मैं बोर हो गया हूँ। डेविड, ये लड़का बस सोता रहता है। उठो उठो, चलो भी खाना शुरू करो। शुक्रिया ग्रैनी। ये भीग गए हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी ग्रैनी, मैं ये नहीं खा सकता। सच में? अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपको ये पंप चाहिए, इससे काम जल्दी जल्दी होगा। मैं इसमें बैटरीज लगा देता हूँ, फिर हम इसे ट्राई कर सकते हैं। लगभग तैयार है, मुझे दूध चाहिए होगा। पहले मैं इसका ढक्कन हटाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर पंप डालूंगा। ये मिल्क कार्टन के नेक के ऊपर लग जाएगा। ये बहुत अच्छे से लग गया है। जब मैं इसके पास बोल को प्रेस करूंगा तो दूध बाहर आएगा, और हमारा सीरियल खराब नहीं होगा। देखो, ये काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, वाओ, ये बहुत अच्छा है। ये मुझे गाय के दूध की याद दिलाता है। देखते हैं ये किसी और चीज पर काम करेगा या नहीं। आप क्या कर रही हैं? मुझे सुबह एक ग्लास जूस पीना अच्छा लगता है, तो चलो ट्राई करते हैं। ये काम कर रहा है, स्वादिष्ट टोमेटो जूस। तुम सही थे, इससे काम जल्दी होता है। तुम एक ग्लास पीना चाहोगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते नहीं हो कि ये कितना स्वादिष्ट है। क्यों? ये मेरे साथ क्यों हुआ? दुनिया बहुत बुरी है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों लिजी, क्यों? अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। मैं खुशियों के काबिल नहीं हूँ। मैं इसे कचरे में डाल दूंगा। कम से कम ये कैंडी मुझे निराश नहीं करेगी। अब मेरे पास बस यही है। काश ये स्वीट्स लिजी को भुलाने में मेरी मदद करे। मुझे शक है वो सुबह से ये कर रहा है। ये तो बहुत सारी कैंडी है, वो सारी नहीं खा सकता है ना? उसके डेंटिस्ट को बहुत गुस्सा आएगा। रखो ये देखो, इससे डेविड का मूड ठीक हो जाएगा। मुझे फोन करना होगा। हेलो, मुझे वो कैंडी मशीन चाहिए। मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए इतनी कैंडी काफी नहीं है। क्यों लिजी, क्यों? और अब हम वेट करते हैं। वाकई आजकल डिलीवरीज बहुत जल्दी आ जाती हैं। मैं अभी आई हनी। हाँ, ओह शुक्रिया डेविड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इससे तुम उस लिजी नाम की लड़की को भूल जाओगे। ये लो। हाँ, मेरे लिए? ये क्या है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इसके साथ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पता चल जाएगा। इसी बीच मैं तुम्हारी सारी कैंडी ले लूंगी। उम्मीद है ये मेरे बैग में पूरी आ जाए। हो गया। नहीं रुको, क्या आपके पास मेरी कैंडी है? मुझे मेरी कैंडी वापस दो ग्रैनी। चलना चाहिए। बाकी की कैंडी कहाँ पर है? अभी तो उनके दांत भी असली नहीं है। चलो इसे ट्राई करें। मैं इसे कैंडी से भर दूंगा, इतना काफी होना चाहिए। चलो शुरू करें। मैं समझ गया, अब इसे छेद में गिराते हैं। मुझे कैंडी मिल गई। ओह, वो उसके साथ खेल रहा है और मुझे उसकी कैंडी मिल गई। स्वादिष्ट। जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई गैजेट हमारी मदद जरूर करता है। आपका फेवरेट क्या था हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। चलो। नहीं नहीं नहीं, कोई घर पर है? दरवाजे पर कोई है? डैड। खोलो। किसी ने कुछ कहा? खैर कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं भूखे पड़ लेता हूँ। हे, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। अरे चलो भी। ठीक है, मैं खोलती हूँ। ना टाइम लगाया, खैर कोई बात नहीं। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक लाइफ चेंजिंग प्लान। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये हूवर कैसा रहेगा? ये होगा तो तुम्हारे घर में जरा सी भी धूल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे ऐसे चैलेंजेस पसंद है। ये देखो, एक पर्सनल क्लीनर। तुम्हारे कान और नाक इससे बिल्कुल साफ रहेंगे। ट्राई करो। ये तो बहुत कूल है। बढ़िया, अब मुझे पैसे दो। ओ हाँ, ये लो। हाँ, ये कैसा मजाक है? हे, दरवाजा बंद मत करो। मैं इसे ट्राई करना चाहूंगी। काशी काम करे, खुल गया तो चलो। गुदगुदी हुई, मुझे पसंद आया। जरूर रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आ जाओ डैड। क्या हुआ? ऐसे ही बैठो। तुम ये क्या कर रही हो? भरोसा रखो। ये देखो आपके कान में क्या है। एव! अरे नहीं, क्या सच में ही ऐसा है? ये ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। हाँ, क्या गैजेट है। स्माइल करो हनी। मैं बाल ठीक कर लूं। चलो एक साथ में भी लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं। बहुत प्यारी। मैं समझ गई। मॉम, बहुत मजा आएगा। आप वापस आ गई? क्या दिन था।
पर मुझे फोटोज मिल गए। मॉम, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बस फोन से फिल्टर सेलेक्ट करना है और फिर प्रिंट करेंगे। वाओ, ऐसे देखो, ये तो तुम हो। टेक्नोलॉजी जबरदस्त चीज है। मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कर लिया। कमाल है। अब मेरी फ्रेंड्स ये देखेंगी। वाह, हम खूबसूरत लग रहे हैं। खुशबू आ रही है। हम पहुंच ही गए। जरा उसे देखो। और ये हमारी है। स्वादिष्ट लग रही है। इतनी जल्दी नहीं। ये कैंडी नहीं है। पर ये हेल्दी है। बोरिंग है। और कैंडी नहीं खाएंगे, समझे? वो उन्हें लगता है ना। हे, क्यों? देखो नीचे। चलो छोड़ो, ये देखो। बढ़िया। और ये रही चॉकलेट स्प्रेड। शानदार। पर मॉम क्या क्या करे, वो हमें देख ना ले। वो मैं देख लूंगा। हे हनी। अरे वाह, चलो डांस करें। वाह, डांस तो बहुत अच्छे हैं। जो भी हो, यही मौका है। बनाना उठाती हूँ और इसे यहाँ लगाएंगी। हेलो। दूसरे एंड पर ट्यूब लगाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। इससे बनाना का सेंटर का पार्ट निकल जाएगा। इस तरह। आपको चाहिए? ठीक है, मैंने तो पूछा था। एक बनाना स्ट्रॉ। यम्मी। बनाना को फिल करेंगे। इस कंपार्टमेंट में चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे। अब ये तैयार है। हैंडल को इस तरह पुश करेंगे और बनाना को निकालेंगे। इसमें चॉकलेट भरी है। अब इसे छीलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी मूव्स कितनी स्मूथ है। ऐसा लग रहा है मैं अपनी टीनेज में हूँ। गुड गर्ल, तुम बनाना खा रही हो। हो गया। देखो। वाह, थैंक्स किडो। अपनी मूव्स करने का कुछ तो फायदा हुआ। बढ़िया है। मैं इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। कोई बात नहीं डियर, मैं कुछ करती हूँ। तुम यही रहो। पैन में कॉर्नल्स डालेंगे और उन्हें हीट करेंगे। तुम्हें एक क्रंची पसंद है ना? पके हुए। खैर, ये तो कचरे में जाएंगे। दोबारा ट्राई करते हैं, शायद ये काम करे। बस हो ही गया। मैं तैयार हूँ। पता नहीं अभी क्या हो जाता। पर ये रहा पॉपकॉर्न। देखो। हाँ, बहुत अच्छे। हमें ये चाहिए। पॉपकॉर्न मेकर में मैं कर्नल्स डालती हूँ। इस तरह कवर लगा देंगे और अब इसे ऑन करेंगे। कुछ तो हो रहा है। वाओ, पॉपकॉर्न बन रहे हैं। इतने सारे स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। बहुत आसान है ना? क्या नींद आई। मैं तैयार हो जाती हूँ। पहले टेथ ब्रश करेंगे। ग्रैंडमा ने दोबारा सारी टूथपेस्ट यूज कर ली। शुक्र है यहाँ और है। और अब मैं इंतजार करूंगी। यहाँ पर छिपकर मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। तब मैं छिपना सही रहेगा। बस शांत रहना होगा। लगता है वो आ गई। बहुत ही बुरी बदबू है। मैं आजकल क्या खा रही हूँ। वो आ गई। मैं दांत साफ कर लेती हूँ। बहुत ही स्लो है। इंतजार करते हुए थोड़ी मस्ती हो जाए। बस पहुँच ही गए। बस कुछ कदम और। पहुँच ही गए। चलो स्क्रब करें। टूथपेस्ट कहाँ है? आहा, थोड़ा स्क्वीज करेंगे। थोड़ा और। पकड़े गए। मतलब बोलो डियर, कुछ हुआ है? मुझे टूथपेस्ट दो। आपको एक टूथपेस्ट डिस्पेंसर इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर टूथपेस्ट लगेगी। अब इसे दीवार पर लगा देंगे
जब आप लेवर को पुश करेंगे तो जितनी टूथपेस्ट चाहिए उतनी आ जाएगी। देखो कितना बढ़िया गैजेट है। कभी कभी पेरेंट्स को कुछ बदलना नहीं होता, पर इन गैजेट्स के साथ आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपका फेवरेट गैजेट कौन सा था हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मस्ती करें। तुम्हें एक नई लुक की जरूरत है सोफिया। घबराओ मत, मैं अच्छे से कर रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम कमाल की दिखोगी। हे सोफिया, उठ जाओ। हाँ, ये क्या है? मेरे बाल! ये तुमने क्या किया? तुम्हें पसंद नहीं आया? यहाँ क्या हो रहा है? देखो उसने क्या किया। कोई बात नहीं, ये दोबारा उग जाएंगे। सुनो शेरो, तुम ये नहीं कर सकती, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बहन दुखी हो गई। ओह, मैं जानती हूँ, मेरे पास एक चीज है, तुम ये रख सकती हो। ओह थैंक्स। यूर वेलकम हनी, मैं इसके साथ खेलूंगी और मैं जाकर सोऊंगी। वाह कितना एक्साइटिंग है। मैं इसे निकाल देती हूँ और यहाँ दो रखेंगे और ये तैयार है। अब इस लेवर को पुश करेंगे। वाओ, इसके बाल उग रहे हैं, ये तो कमाल है। कितना फनी लग रहा है। वाओ, मुझे पसंद आया। अब मैं इसको हेयर कट करूंगी, ये अच्छा लग रहा है। ये वाला पार्ट भी कट करेंगे। हम रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर है। हाँ, अब तुम गंजे हो गए। इससे मुझे एक आइडिया आया, मुझे असली सजा चाहिए। हिला मत ग्रानी। नहीं। इसकी खुशबू अच्छी है। मजा आ रहा है स्वीटी। मैं शेफ हूँ मॉमी, मैं डिनर बना रही हूँ, पर इसमें और सामान डलेगा। ओह, मुझे आर्निंग पसंद नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। शेरो, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं कुकिंग कर रही हूँ। मेरा मेकअप सब खराब हो गया। समझ गई, ये इमरजेंसी है। आहा, मुझे यही तो चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। कुकिंग आसान है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या गड़बड़ है? मुझे ये सब साफ करना होगा। हाँ? ये लो। वाओ, थैंक्स मॉम। मैं इसकी टेल निकाल दूंगी। इन छोटी छोटी बॉल्स को तो देखो, इसे कंटेनर पर लगा देंगे। अब पंप इस्तेमाल करेंगे। देखो मामी, मैं इसमें ग्लिटर भर दूंगी। कितना सुंदर है। अब क्या, कितना स्क्विशी है। अब ये जाएगा। ओह, इसमें पॉपिट भी डाल सकते हैं। और अब ग्लिटर, इन कलर्स को तो देखो। ओह बडी, ये भी अंदर जाएगी आराम से। ये बहुत मजेदार है। अब मैं इस पर कवर लगाऊंगी। वाह, ये तो कमाल का है। देखो मॉम, बहुत अच्छा है बच्चे। शेरो, ये मत करो। मैं एक और बलून बनाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पॉटी करने जाना ही होगा बच्चे। ठीक है। हाँ, ये क्या था? हे नानी, टॉयलेट पर बैठ जाओ। ये गलत बात है। रुको, दोबारा नहीं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हम ये बार बार नहीं कर सकते ना। तो आप ही देख लो, फिर मिलते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? ओ, समझ गई। यार, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं इसे खेलूंगी। ऐसी, देखो मेरे पास क्या है। हम्म, क्या तुम्हें भूख लगी है मिस्टर फ्लेमिंगो? तो ये लो,
ओह, तुम्हें पसंद आ रहा है। ओह, वो सच में खा रहा है, पर उसे तो टॉयलेट जाना है। अरे वाह, मुझे देखना होगा, क्या वो सच में पूप करेगा? आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ, अब कर लो। ओह, तुम यहाँ आने की जरूरत ही थी। अभी भी? हाँ। वाओ, वो पूप कर रहा है। मुझे भी जाना है। गुड गर्ल। आप जा सकती हो, मैं कर लूँगी। अब यहाँ तुम और मैं ही है मिस्टर फ्लेमिंगो। इतनी स्मार्ट है। ओह, तुमने ऐसा क्या खाया है? इतनी गंदी बदबू है। इसमें मेरा हाथ बहुत अच्छा है। गुदगुदी हुई, सारी नोज हेयर हटा दिए। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। आओ बैठो। मेरे बाल खराब हो गए। सच में? आप ये ठीक कर सकती हो? ओह, एक आइडिया है, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं बाद में वापस आती हूँ। यही बैठ जाओ, मुझे ये आता है। सच में? ये मेरे ऊपर इस्तेमाल मत करो। ठीक है, तो हम पुराने तरीके से करेंगे। ये आपने क्या किया? मेरे खूबसूरत बाल। नहीं, मुझे मत छूना। आप मेरे बाल मत ही काटो। घबराओ मत, मेरे पास एक चीज है, भरोसा रखो। ओ ठीक है, ये हुई ना बात। मैं इस हुक से तुम्हारे बाल मशीन तक लेकर आऊंगी, बिल्कुल इस तरह। ओ, अब इसे ऑन कर देंगे। थोड़े से बालों को इस तरह खींचेंगे और ये मशीन तुम्हारे बालों की ब्रेड बना देगी। अब दूसरी साइड भी करते हैं। कितनी जल्दी और आराम से हो रहा है। हो गया। वाह, अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मत कहो, इस मशीन से कहो। हाँ, ये क्यूट लड़का कौन है? कैसी हो बेब? वाह, शॉपिंग करके मजा आ गया। मैंने बहुत कुछ खरीदा, पैसे खर्चना भी मेहनत का काम है। चलो भी, मुझे इसे पीना है। ये क्या? पकड़ लिया। बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मदद चाहिए। तुम कहाँ से आ गई? जरा ये देखो। ये फ्री नहीं है। ये कैसा रहेगा? तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। ओह, कितना एक्साइटिंग है। तू कहाँ चली गई? मैं क्या फर्क पड़ता है, चलो अब इसे ट्राई करें। मैं इसे खोलती हूँ और टॉप पर लगा लूंगी। अपना सामान ले लेती हूँ। वाह, मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। और ये सोडा ड्रिंक होल्डर में रहेगा, अब काफी बेहतर है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम तो गई शेरो। हाँ हाँ, पहले भी सुन चुकी हूँ। इन टॉयज और गैजेट्स को तो देखो, मुझे ये सारे चाहिए, ये सब मेरे हैं। तैयार हो? चलो। ये मुश्किल है। हाँ, क्या मैं जीत गई? हाँ, पता नहीं। आपको क्या लगता है ये चैलेंज कौन जीता? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।